A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll study the story The Sound Machine, written by Roald Dahl. This story is for class 12 ISC. This story is a science fiction about an amateur scientist who invents a sound machine to hear the sound that a normal human ear cannot hear. Okay? I have given this as a kind of reference कि एक तरह की उसने मशीन बनाई थी साउंड मशीन. हाफ ऑफ दिस स्टोरी ऑलमोस्ट आपको पता ही होगी, ऑब्वियसली एक महीने में एग्जाम्स हैं. ओके, द ऑथर फर्स्ट इज हिज प्रोनाउंसिएशन रूऑल्ड डेल. ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर एंड फाइटर पायलट. ओके, ही इज वन, दिस इज वन One of the best-selling authors and a great storyteller of children's story of the 20th century. Means इसमें ऐसा कुछ है नहीं. His stories are known for unexpected endings. उसकी जो story होती है थोड़ी सी different होती है, थोड़ी सी abrupt भी कह सकते हो और थोड़ी सी unexpected, कि we don't know, the audience do not or the readers do not know कि इसकी stories कैसे end होंगी. The Sound Machine combines science with conservation, science, क्योंकि उसने एक साउंड मशीन बनाई थी उसको वो बनाता है विद, एंड उसमें क्या चीजें इन कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन एंड एक्सप्लोर्स इल्यूजन एंड रियलिटी. इल्यूजन सम सॉर्ट ऑफ भ्रम, जो कि एक्चुअली जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको एक्चुअल में नहीं समझ में आएगा कि वेदर जो पर्सन है उसको, क्लॉजनर, उसको ये स्टोरी सच में समझ में, सॉरी उसको ये जो साउंड है एक्चुअली सुनाई दे भी रहे हैं कि नहीं. ठीक है, द स्टोरी, नाउ दिस इज अबाउट द स्टोरी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट इट. द स्टोरी द साउंड मशीन बाय रूऑल्ड डेल इज अ शॉर्ट शार्प फ्राइटनिंग स्टोरी. छोटी है, छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी स्टोरी है, 20 पन्ने की स्टोरी है. शार्प एंड फ्राइटनिंग स्टोरी, फ्राइटनिंग मीन्स डरावनी. That discusses about the darker and selfish side of human nature. This is the theme of the story, कि ये dark और selfish side दिखाते हैं human nature की, जो कि natural world से, wildlife से, plant life से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है. People exploit plants and flowers. People exploit plants and flowers. वो उनका यूज करते हैं या इवन उसका मिस यूज करते हैं फॉर देयर सेल्फिश यूजेस एंड सीम टू इग्नोर द इमोशंस विद इन दीज लिविंग थिंग्स. और ये स्टोरी ये दिखाती है, दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी, कि पीपल या ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो नेचुरल थिंग्स के जो फीलिंग्स होती है, नेचुरल जो बींग्स होते हैं उनकी फीलिंग्स होती है, उनको वो अवॉइड करते हैं. ठीक है, नाउ द स्टोरी इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, पहले हम इमेजेस इसमें से ओपन कर लें, शॉर्ट स्टोरी. हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोरी, ये आपकी टेक्स्ट बुक की स्टोरी है. ठीक है, इट वॉज अ वार्म समर इवनिंग. नाउ ये जो पूरी कहानी पूरे दिन की कह सकते हो है, वार्म समर इवनिंग एंड क्लॉजनर ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले of this story. he walked, the whole story is written in third person. हम यहाँ पर हर जगह he की बात करेंगे, कि हम as a narrator नहीं है, हम कोई unknown narrator हैं जो कि एक third person को के बारे में, मतलब एक तीसरे इंसान he के बारे में बता रहे हैं. he walked quickly, क्लॉजनर he is the main protagonist, ये इस story का protagonist है, protagonist. वॉक्ड क्विकली थ्रू द फ्रंट गेट. ठीक है, अपने फ्रंट गेट से वो तुरंत बाहर निकला, अराउंड द साइड ऑफ द हाउस, घर के साइड से, एंड इन टू द गार्डन एट द बैक, जो घर के बैक पे गार्डन इसके बना है, ये वहां पर गया. ही वेंट डाउन ऑन द गार्डन, ये गार्डन में गया, अंटिल ही केम टू अ वुडन शेड, और वहां पर गार्डन पार करके ये वहां तक पहुंचा जहां पे एक वुडन शेड था. ठीक है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वुडन शेड, यस, लकड़ी का एक, मतलब पूरा एक छोटा सा घर उसका बना हुआ था लकड़ी का जो कि था. ही अनलॉक्ड द डोर, वेंट साइड इनसाइड द इनसाइड एंड क्लोज्ड द डोर
बिहाइंड हिम, और वो अंदर गया और अपना दरवाजा उसने बंद कर दिया। देन द इंटीरियर ऑफ द शेड, अब ये एक पार्ट है। इसी तरह हम आपको पूरे स्टोरी में जो जो कॉन्वर्सेशन या जो जो चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है, स्टोरी के पर्पज से, ये हम आपको इसमें बताते रहेंगे। ये है आपके जो भी पार्ट था उसका ये छोटा सा एक रूम है। अब हो सकता है कि आईएससी या काउंसिल बहुत ज्यादा आपसे बारीक चीजें भी पूछे, ऑब्वियसली वो पूछेगा, एमसीक्यूज का उसके पास हथियार है इस बार। तो द इंटीरियर, ये उसके पूरे इंटीरियर के बारे में दिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना। द इंटीरियर ऑफ द शेड, जो उसका ये वाला वुडन शेड था, ठीक है, दिस शेड वॉज एन अनपेंटेड रूम, इट वॉज एन अनपेंटेड रूम अगेंस्ट वन वॉल, एक वॉल पे लेफ्ट की तरफ देयर वॉज अ लॉन्ग वुडन वर्क बेंच, लेफ्ट वॉल के साइड पर एक बड़ी सी वुडन की वर्क बेंच थी, मतलब कि जिसपे काम करते, नॉर्मल सी बेंच थी, एंड ऑन इट, उस पर देयर वर लिटरिंग ऑफ वायर्स, लिटरिंग ऑफ वायर्स, लिटर क्या होता है कि किसी चीज का कूड़ा कचरा, जैसे अगर पेपर है, बहुत सारे पेपर है, फाड़ फाड़ के फेंक दोगे तो उसको लिटरिंग कहते हैं। तो वायर्स की, तारों की लिटरिंग थी, बैटरीज थी वहां पर, और स्मॉल शार्प टूल्स थे, और देयर स्टूड अ ब्लैक बॉक्स, मतलब उन सारे चीजों में क्या क्या चीजों थी वहां पे, वहां पे वायर्स थी, बैटरीज थी, छोटे छोटे से टूल्स थे, जैसे आपके भी घर पे वो पेचकस होगा, पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं ये सब, तो उन सब के बीच में एक ब्लैक बॉक्स था। इट वॉज अबाउट 3 फीट लॉन्ग, 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 3 फीट मीन 36 इंचेस लॉन्ग एक ब्लैक बॉक्स था। द शेप ऑफ अ चाइल्ड्स कॉफिन, जितना बड़ा एक चाइल्ड की कॉफिन का, कब्र का शेप होगा, उतना बड़ा एक लंबा एक डब्बा था उसके पास। इट वॉज नोन एज द ब्लैक बॉक्स। क्लॉजनर मूव्ड अक्रॉस द रूम टू द बॉक्स, वो पूरे रूम से पार करके वो उस बॉक्स की तरफ पहुंचा। द टॉप ऑफ द बॉक्स वॉज ओपन, बॉक्स का जो ऊपरी हिस्सा था, ढक्कन था जिसे कहते हैं, वो खुला हुआ था। ही बेंड डाउन, वो झुका, बिगैन टू पोक एंड पियर, पोक करना मीन्स किसी चीज को ऐसे करके फिंगर करके उंगली करना, ठीक है, दैट इज नोन एज पोकिंग। ही बिगैन टू पोक एंड पियर इनसाइड, पियर मीन्स टू लुक इनसाइड, अमंग अ मास ऑफ डिफरेंट कलर्स वायर्स, और उसी में ही बहुत सारी, उस ब्लैक बॉक्स में बहुत सारी वायर्स थी, एंड देयर वर सिल्वर ट्यूब्स एज वेल। ये होती हैं कुछ सिल्वर ट्यूब्स, एक रेफरेंस के लिए रख सकते हो इनको, कुछ बहुत सारी वायर्स थी और ऐसे करके सिल्वर ट्यूब्स भी थे उसी में ही। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ पेपर, उन्ही सब चीजों में से, ब्लैक बॉक्स में से उसने एक पीस ऑफ पेपर उठाया, That lay beside the box, जो कि box के पीछे था, studied it carefully, उसने उस paper को बहुत ध्यान से पढ़ा, put it down, वापस रख दिया, peered inside the box, फिर उसने box के अंदर झांका, and started running his fingers along the wires, बहुत सारी तारे हैं तो तारों में से वो कुछ ढूंढने, जैसे आप लोग क्या करते हो, अपना बैग खोलो, कोई किताब या कोई पन्ना आप ढूंढ रहे हो, पेज ढूंढ रहे हो, तो वैसे ही वो अपनी फिंगर्स जो थी वो वायर्स के बीच में से कुछ खोज रहा था, टगिंग जेंटली एट देम टू टेस्ट देयर कनेक्शंस, एंड व्हाट ही वाज डूइंग कि वो उसको बहुत ही आराम आराम से पुल कर रहा था, क्विकली पुल कर रहा था, बट यहाँ पर क्विकली भी एंड जेंटली भी, ठीक है, टू टेस्ट देयर कनेक्शंस, ये चेक करने के लिए कि वो कहाँ तक कनेक्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी कहीं बिजली की उसमें नहीं दिखाया गया कि वो किसी सॉकेट में उसको चेक कर रहा है। Glancing back at the paper, उसके बाद वो दोबारा से उस पेपर को चेक कर रहा था, then into the box, फिर उसने दोबारा बॉक्स में झांका, फिर पेपर पे झांका, checking each wire, और हर वायर को वो चेक कर रहा था। He did this for perhaps an hour, शायद एक घंटे तक, perhaps को हिंदी में शायद बोलते हैं, तो उसने कुछ अराउंड एक घंटे तक ये किया। Then he put an hand around to the front of the box where there were 3 dials. अब क्या किया? Then he put a hand around the front of the box. जो box है उसके आगे तरफ, like this is the dabba, तो this box के जो आगे का हिस्सा है, where there were 3 dials, 3 dial थे उसमें, he began to twiddle them. देखो sound, इसमें हमने starting में दिखाया था, इसी को कहते हैं, ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, इसी को ही हम लोग डायल बोलते हैं। तो
यहाँ पर कहाँ गए थे हम लोग, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, हाँ, थ्री डायल से उसमें ही बिगैन टू ट्विडल देम. ट्विडल मीन्स टू ट्विस्ट और टू मूव देम नर्वसली, वॉचिंग एट द सेम टाइम द मूवमेंट ऑफ द मैकेनिज्म इनसाइड द बॉक्स. और उसी बॉक्स को, क्योंकि अंदर बहुत सारी उसमें तार ही थी, तो एक तरफ से वो आगे से उसको घुमा रहा था जो डायल से, और दोबारा वो अंदर उसको चेक कर रहा था कि अंदर उसका क्या मूवमेंट हो रहा है वायर्स का. ठीक है, दिस स्टैंजा देखो, इसमें छोटे छोटे स्टैंजा दिए हैं, बट ईच स्टैंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टैंजा क्या है, ये वो अपनी साउंड मशीन को उसने कैसे चेक किया, ये स्टैंजा ये दिखा रहा है. देन ऑल द वाइल ही केप्ट स्पीकिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ. इस पूरे समय के दौरान वो खुद से बहुत ही आराम आराम से बात कर रहा था. ही वॉज नॉडिंग हिज हेड, हाँ, ऐसे ऐसे करके स्माइलिंग समटाइम्स, कभी कभी वो स्माइल कर रहा था. हिज हैंड्स ऑलवेज मूविंग, उसके हाथ कहीं ना कहीं इधर उधर मूव कर रहे थे. फिंगर्स मूविंग स्विफ्टली, फिंगर्स और फास्टली इधर उधर भाग रही थी. डेफ्टली, नीटली एंड क्विकली इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, क्योंकि वो जो बॉक्स था वो एक्चुअल में एक साउंड मशीन थी. ठीक है, हिज माउथ ट्विस्टिंग इनटू क्यूरियस शेप्स, उसके जो माउथ था वो ऐसे कभी ऐसे करके, तो ऐसे करके वो इधर उधर करके कहीं ना कहीं उसका माउथ मतलब ट्विस्ट कर रहा था, इन द सेंस कि वो डिफरेंट डिफरेंट से ऐसे करके वो शेप्स बना रहा था. ठीक है, उसके बाद फिर हिज माउथ वॉज ट्विस्टिंग, ये मेरी फेवरेट लाइन है, ट्विस्टिंग इनटू क्यूरियस शेप्स. When a thing was delicate और difficult to do, कभी कोई चीज, अगर जो भी काम वो कर रहा था उसमें कोई चीज बहुत ज्यादा delicate थी, बारीकी से करने वाली थी ध्यान से, या बहुत ज्यादा difficult थी, तो वो उसके फेस पे ऐसे shapes बन रहे थे, ऐसे expressions वो दे रहा था. और वो क्या कह रहा था, saying yes yes and now this one, yes yes but this is right, ये चीजें वो बोल रहा था. Is it? Where's my diagram? Diagram उसका किस पे था, उस paper पे बना हुआ था. Yes, of course, yes, yes, that's right, and now, good, good, yes, 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 yes. तो वो ये पूरी चीज बोलते हुए अपना काम वो करता, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे वो कर रहा था. His concentration was intense. उसका जो concentration था उस चीज में वो बहुत ज्यादा passionate था. पता चला था कि वो बहुत अपनी energy उसमें use कर रहा है. His movements were quick. वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा था. There was an air of urgency. There was an air of urgency about the way he worked. वो जिस तरह काम कर रहा था, ऐसे लगा था कि उसको ये चीज बहुत ही जल्द ही खत्म करनी है. Of breathlessness. वो चैन से नहीं बैठ रहा था, चैन से सांस नहीं ले रहा था. It was a strong suppressed excitement. और वहां पे लगा था कि वो ऐसी कोई excitement है. Suppressed क्यों? क्योंकि अभी उसने अपनी मशीन को पूरी तरह से तैयार नहीं किया था. तो इट वॉज दैट एक्साइटमेंट वॉज सप्रेस्ड, वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी कि जैसे ही कुछ ऐसा हो जो वो इन्वेंट कर पाए तो उसकी वो एक्साइटमेंट बाहर निकल आएगी. सडनली ही हर्ड द फुटस्टेप्स ऑन द ग्रेवल पाथ. ग्रेवल, ये वाले जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे से, तो इसी पत्थर पे उसने कुछ आवाज सुनी. देखो यहाँ पे लिखा है, लूज अग्रीगेशन ऑफ स्मॉल वॉटर वॉन और पाउंडेड स्टोन्स. ठीक है, तो ग्रेवल कई मीनिंग लिखा हुआ है. पाथ, उस वही छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर, वहां पर उसने किसी की आवाज सुनी. एंड ही स्ट्रेटन्ड, वो सीधे हुआ क्योंकि वो झुक करके बेंड डाउन था अपनी मशीन के अंदर, साथ वो कुछ कर रहा था, वो खड़ा हुआ सीधे हुआ. एंड टर्न्ड स्विफ्टली एज अ डोर ओपन्ड, और उसके बाद वो तेजी से मुड़ा जैसे कि कोई डोर ओपन हुआ. एंड अ टॉल मैन केम, और उसके बाद टॉल मैन अंदर है, कौन था वो, इट वॉज स्कॉट. स्कॉट कौन था, डॉक्टर स्कॉट. इट वॉज ओनली स्कॉट द डॉक्टर, और वो डॉक्टर स्कॉट थे, मीन्स उनका नाम था. ठीक है, वेल 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 द डॉक्टर सेड. डॉक्टर, देखो हर जगह पे मैंने डी या के लिखा है, डी मीन्स डॉक्टर स्कॉट, के मीन्स क्लॉजनर. तो अपने पास अपनी कॉपी में भी इसको, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग इसको पढ़ोगे, आपको नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक से 50 बार इसको रीड करोगे तभी ये चीज आपके माइंड में बैठेगी, क्योंकि एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. 8 नंबर इज अ बिग थिंग. ओके, नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी देख लेना जिसमें हमने मेंशन किया है, जिसमें हमने इस लिटरेचर पेपर का, सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करवाया है पूरा. तो टेक्स्ट बुक से पढ़ना और उसमें ये सारी चीजें अपने पास
अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लेना। वेल 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 द डॉक्टर सेड, सो दिस इज वेयर यू हाइड योरसेल्फ इन द इवनिंग। सो डॉक्टर कहता है अच्छा ये वो जगह है जहां तुम खुद को इवनिंग में छुपा लेते हो। हेलो स्कॉट, यहाँ पर वो उसको ग्रीटिंग दे रहा है, हेलो कर रहा है। क्लॉजना सेड, डॉक्टर कहता है आई हैपन टू बी पासिंग, मैं यहाँ से गुजर रहा था, ठीक है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, डॉक्टर टोल्ड हिम, सो आई ड्रॉप्ड इन टू सी हाउ यू वर, और मैं इसीलिए यहाँ पर रुक गया ये देखने के लिए कि तुम कैसे हो। देयर वॉज नो वन इन द हाउस, हाउस में कोई नहीं था, क्यों, क्योंकि वो खुद अपना हाउस छोड़ के ये वुडन शेड में आया हुआ था। सो आई केम ऑन डाउन हियर, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये कौन कह रहा है, डॉक्टर ही उसे कह रहा है, किससे कह रहा है, क्लॉजनर से। How's that throat of yours being behaving? कि तुम्हारा गला अब कैसा है, कैसे खराब हो गया था, तो अब वो ठीक है। तो क्लॉजनर कहता है इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो डॉक्टर पूछता है नाउ आई एम हियर आई माइट एज वेल हैव अ लुक एट इट। तो वो देखता है कि चलो मैं ठीक है, मैं आ ही गया हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो क्लॉजनर कहता है प्लीज डोंट ट्रबल आई एम क्वाइट क्योर्ड एंड फाइन। तो कहते हैं कि प्लीज मुझे परेशान, क्लॉजनर कहता है मुझे परेशान मत करो, मैं काफी सही हो गया हूँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बिगैन टू फील द टेंशन इन द रूम। डॉक्टर को यहाँ पे समझ में आ गया कि अभी रूम में बहुत ज्यादा टेंशन है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा एक क्लास में एंटर करे और सडनली उसको क्लास में पता चले कि आज टेस्ट होने वाला है और सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की शक्लें देख करके जो टेंशन उसको फील होती है ना, वही टेंशन डॉक्टर को फील हो रही थी कि इस रूम में जहां पर जिस वुडन शेड में वो है वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन चल रही। क्यों? क्योंकि क्लॉजनर बहुत ज्यादा ट्रबल्ड है अपनी मशीन को लेकर के, जो बॉक्स उसने निकाला था यहाँ पर उसी की बात हो रही है। द डॉक्टर बिगैन टू फील द टेंशन इन द रूम, ही लुक्ड एट द ब्लैक बॉक्स ऑन द बेंच। उसने बेंच पर जो ब्लैक बॉक्स रखा था उसने उसको देखा। देन ही लुक्ड एट द मैन, फिर उसने उस मैन को देखा। डॉक्टर कहता है यू हैव गॉट योर हैट ऑन, ही सेड, तुमने कहा दैट यू हैव वॉर्न योर हैट, ओ हैव आई, कह रहे कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, मैंने उसको पहन के रखा हुआ है। क्लॉजनर रीच्ड अप, वो ऊपर रखा, उसने अपनी हैट को रिमूव किया, उसने अपनी उस हैट को बेंच पर रख दिया। द डॉक्टर केम क्लोजर, डॉक्टर पास आया, उसने बेंड डाउन किया कि वो बॉक्स के अंदर झांके कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है, ठीक है। तो व्हाट इट इज, तो वो पूछता है कि ये क्या है, ही सेड, ही कौन है, डॉक्टर स्कॉट, डॉक्टर स्कॉट है मेकिंग अ रेडियो। तो उसको लग रहा था कि क्या तुम कोई रेडियो बना रहे हो, ठीक है, आपको भी याद होगा कि रेडियो में भी बहुत सारे ऐसे करके वो घुमाने वाले बटन्स डायलर्स होते थे। तो व्हाट, तो वो पूछता है कि ये क्या तुम वो बना रहे हो, तो रेडियो बना रहे हो। तो कहता है, क्लॉजनर कहता है नो जस्ट फूलिंग अराउंड। ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग की पढ़ लेना, उन्होंने काउंसिल ने सैंपल पेपर में आपको मिसेस सॉन्डर्स और क्लॉजनर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो दी थी, तो उसको भी पढ़ो, और उसके अलावा ये जो इनकी स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, एंड वाली कॉन्वर्सेशन थी, वो सारी चीजें पढ़ लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आई एम जस्ट फूलिंग अराउंड, ये स्टार्टिंग का पॉइंट पढ़ लेना कि हाँ वो स्टार्टिंग में समझता है कि उसको तुम रेडियो बनाने के लिए बोला जा रहा था। तो वो कहते हैं, क्लॉजनर कहते हैं कि नो आई एम जस्ट फूलिंग अराउंड, कि नहीं ऐसे ही कुछ हरकत में कर रहा हूँ बेवकूफी वाली। डॉक्टर कहता है कि इट्स गॉट रादर कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इनार्ड्स, कि अगर इसको देखो तो ऐसे लगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लुकिंग इनार्ड्स मीन्स इंटरनल वर्किंग ऑफ द डिवाइस, जो डिवाइस के अंदर का सामान है, अगर आप उसको देखो तो लगेगा कि बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। तो क्लॉजनर कहता है यस, क्लॉजनर सीम टेंस एंड डिस्ट्रैक्टेड, क्लॉजनर और टेंशन में हो गया, एंड ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड, उसका ध्यान अब भंग हो रहा था। तो डॉक्टर पूछता है कि ये क्या है, द डॉक्टर आस्क्ड इट्स रादर अ फ्राइटनिंग लुकिंग थिंग इजंट इट, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बहुत डरावनी चीज लग रही है, ये है क्या। तो क्लॉजनर कहता है इट्स जस्ट एन आइडिया, वो कहते हैं कि अभी ये सिर्फ मेरे दिमाग में एक आइडिया के जैसा है, अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। डॉक्टर कहते हैं यस हाँ,
क्लॉजनर कहते हैं इट हैज टू डू विथ साउंड दैट्स ऑल, और ये इसका जो मतलब इसका जो रिलेशन है ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने सिर्फ साउंड से ये रिलेटेड है इसलिए बनाया है. तो डॉक्टर कहता है गुड हेवेंस मैन डोंट यू गेट इनफ ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल डे इन योर वर्क. वो कहता है डोंट यू गेट इनफ ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल डे इन योर वर्क, क्या तुमको ये सारी चीजें पूरा दिन में नहीं समझ में आती करने को. तो क्लॉजनर कहता है आई लाइक साउंड, क्लॉजनर कहते हैं मुझे साउंड्स बहुत पसंद है, मींस ही इज अ पर्सन हु हैज अ हैबिट और यू कैन से हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ अकोस्टिक्स, ये साउंड के उसको बहुत ज्यादा सेंस है या नॉलेज है. डॉक्टर कहता है सो इट सीम्स, डॉक्टर कहता है वेंट टू द डोर, वो डोर की तरफ बाहर जाने लगा, मुड़ा और उसने कहा वेल आई वोंट डिस्टर्ब यू. तो ऐसा उसको लग भी रहा है कि वो उसी से के जैसा है, साउंड से रिलेटेड है और अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा. आई एम ग्लैड थ्रोट्स नॉट वरिंग यू एनी मोर, और मैं खुश हूं कि तुम्हारी जो थ्रोट है वो तुम्हें उससे ज्यादा परेशान नहीं कर रही है. बट ही केप्ट स्टैंडिंग देयर लुकिंग एट द बॉक्स, बट ही यहाँ पर कौन है, यहाँ पर डॉक्टर की ही बात हो रही है कि यहाँ पर वो फिर भी वो खड़ा रहा और वो बॉक्स की ओर देखता रहा. Intrigued by the remarkable complexity of its inside, and he was feeling strange. उसके अंदर बहुत डॉक्टर के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी ये देख करके कि जो भी अंदर वो इतना कॉम्प्लेक्सिटी से वो चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, क्या उसके अंदर मतलब जो भी मशीन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से बनी हुई है. It was a remarkable complexity of its inside. Curious to know what this strange patient of his was up to, and doctor was very much curious कि उसका ये जो अतरंगी strange patient है ये क्या करने जा रहा है, what it's really for, the machine वो पूछता है, doctor पूछता है, doctor ये पूछ रहा है कि ये जो machine है ये किस चीज के लिए है. He asks, you have made me inquisitive, you have made me curious. So, वो पूछ रहा है कि ये किस चीज के लिए. क्लॉजनर कहता है looked down at the box, उसने बॉक्स की तरफ देखा, then फिर उसने डॉक्टर को देखा, he reached up, फिर वो वापस वो गया, he began gently to scratch the lobe of his right ear, there was a pause. क्लॉजनर बॉक्स की ओर देखा, फिर उसने डॉक्टर को देखा, देन ही रीच्ड अप मींस वो उठा और ही बिगन टू जेंटली स्क्रैच द लॉब ऑफ हिज राइट ईयर, अपने राइट ईयर का जो लॉब होता है उसको वो स्क्रैच करने लगा, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉब, तो उसी को ही वो ऐसे से करके स्क्रैच करने लगा. कौन? क्लॉजनर. एंड देन देयर वाज अ पॉज, वहां पे बिल्कुल शांति थी. The doctor stood, फिर डॉक्टर जो था वो डोर पे खड़ा रहा, he was waiting and he was smiling. All right, I'll tell you if you are interested. Klausner ये चीज कहता है कि ठीक है अगर तुम इतना interested हो तो I will tell you. There was another pause और फिर वहां पर शांति. The doctor could see that Klausner was having trouble with how to begin. और डॉक्टर ये चीज समझ रहा था कि Klausner बहुत ज्यादा troubled है कि मैं चीजों को शुरू कैसे करूं. क्लॉजनर शुरू कैसे करे? He was shifting from one foot to another. वो एक पैर से दूसरे पैर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, मींस इधर उधर कह सकते हो कि अपने मूवमेंट चेंज कर रहा था वो. टगिंग एट द लॉब ऑफ हिज ईयर, ही वॉज ऐसे ऐसे करके वो अपने जो ईयर की जो लॉब है उसको ऐसे करके पुल खींच रहा था. Looking at his feet, अपने पैरों पे देख रहा था. Then at last slowly उसने बोला, well it's like this, the theory is very simple really, बहुत सिंपल सी चीज है. The human ear, ये भी उसी का ही पार्ट है जो क्लॉजनर बोल रहा है. The human ear, you know that it can't hear everything. एक सिंपल सा सेंटेंस उसने बोला कि ह्यूमन ईयर, आप जानते हो कि हर चीज वो नहीं सुन सकता. कुछ साउंड्स होते हैं जो बहुत लो पिच होते हैं, कुछ बहुत हाई पिच होते हैं, एंड दैट इट कांट हियर देम, और इसीलिए ये जो साउंड्स होते हैं वो जल्दी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, कुछ लो पिच कुछ हाई पिच साउंड्स होते हैं जो वो जल्दी नहीं सुन सकते हैं. तो डॉक्टर कहते हैं यस, हाँ ऐसा है. वेल, क्लॉजनर कहते हैं वेल, स्पीकिंग वेरी रफली, any note so high that it has more than 15,000
वाइब्रेशंस अ सेकेंड वी कांट हियर. कोई ऐसी नोट नोट इन द सेंस, देखो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं साउंड की स्टडी में जो एज अ नॉर्मल पर्सन आई इवन डोंट नो, क्योंकि ऑब्वियसली हम मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें. तो यहाँ पर इन द सेंस समझ लो कि एक वर्ड समझ लो या एक सेंटेंस, एक वॉइस समझ लो, क्या कहा गया है कि स्पीकिंग रफली एक नोट में या एक सम सॉर्ट ऑफ साउंड में 15,000 वाइब्रेशंस होते हैं पर सेकेंड, ठीक, जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं. डॉग्स हैव बेटर ईयर्स देन अस. डॉग्स के ईयर हम लोग से ज्यादा बेटर होते हैं. यू नो यू कैन बाय अ विसल हुज नोट इज सो हाई पिच्ड दैट यू कांट हियर इट एट ऑल. और कुछ विसल सीटी होती हैं जिनको अगर आप खरीदते हो तो उनकी जो विसल्स होती है, मतलब उनकी जो आवाज होती है, साउंड होता है, वो इतना तेज होता है कि आप उसको नहीं सुन सकते, बट एक डॉग उसको सुन सकता है. देखो यहाँ पर हमने पिच की मीनिंग दी है, हाई पिच और लो पिच. था द क्वालिटी ऑफ अ साउंड गवर्न बाय द रेट ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूसिंग इट, द डिग्री ऑफ हाईनेस एंड द लोनेस ऑफ टोन. की पिच क्या होती है, जिसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, हाई पिच, लो वाइब्रेशंस, लो पिच. द डिग्री ऑफ हाईनेस, कितनी ज्यादा डिग्री उसमें है वाइब्रेशंस की, ज्यादा है, और कितनी उसकी टोन जो है वो कम या ज्यादा है, ठीक है, वो होती है हमारी पिच. Yes, I have seen one. तो डॉक्टर यहाँ पर कहा था ना, ये क्लॉजनर कहते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद भी नहीं सुन सकते, बट एक डॉग उसको सुन सकते हैं क्योंकि ही हैज बेटर ईयर, उसके कान ज्यादा अच्छे होते हैं. तो डॉक्टर कहते हैं यस आई हैव सीन वन, हाँ मैंने ऐसे देखा है इन सब चीजों लोगों को. क्लॉजनर कहते हैं ऑफ कोर्स यू हैव. एंड अप द स्केल हायर देन द नोट ऑफ दैट विसल देर इज अनदर नोट, अ वाइब्रेशन इफ यू लाइक, बट आई प्रेफर टू थिंक ऑफ इट एज अ नोट. और उसके बाद ऑफ कोर्स आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी. एंड अप द स्केल, उस स्केल के अलावा हायर देन द नोट ऑफ दैट विसल, जितनी एक सीटी में जोर से आवाज होती है, देर आर नोट्स इन दैट, देयर इज अनदर नोट, एक वाइब्रेशन होता है इफ यू लाइक, बट आई प्रेफर टू थिंक ऑफ इट एज अ नोट. बट वो कहते हैं, क्लॉजनर कहते हैं कि मैं ये समझूंगा कि ये एक नोट जैसे ही है जिसकी आवाज बहुत तेज होती है. यू कांट हियर दैट वन ईदर, और आप उसको भी नहीं सुन सकते हो. एंड अबव दैट देयर इज अनदर एंड अनदर राइजिंग राइट अप द स्केल फॉर एवर. एंड उसके बाद फिर देयर इज अनदर, उसके बाद मीन्स मेनी तरह के साउंड होते हैं एक के बाद एक, राइजिंग राइट अप द स्केल, की वो जो स्केल होती है उसको वो बढ़ाते जा रहे हैं. एवर एंड एवर एंड एन अनलेस सक्सेशन ऑफ नोट्स एंड इनफिनिटी ऑफ नोट्स. और उसके बाद देयर आर मेनी सॉर्ट ऑफ साउंड, देयर इज अ नोट इफ ओनली आर ईयर्स कुड हियर इट सो हाई दैट इट वाइब्रेट्स अ मिलियन टाइम्स अ सेकेंड, की एक सेकेंड में मिलियन वाइब्रेशंस होते हैं. ऐसे नोट्स भी होते हैं अनदर अ मिलियन टाइम्स एज हाई एज दैट, और जितने एक मिलियन टाइम्स में और ज्यादा हाई होते हैं. एंड ऑन एंड ऑन हायर एंड हायर एज फार एज नंबर्स गो विच इज इनफाइनाइटली इटर्निटी बियॉन्ड द स्टार्स. की मतलब यहाँ पर इन जनरल वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि बहुत सारे साउंड्स होते हैं और बहुत सारे वाइब्रेशंस के साउंड्स होते हैं, जिसमें एक आवाज में बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं. दोज आर इनफाइनाइट, ढेर सारे होते हैं, इटर्निटी, दैट आर एवरलास्टिंग, एंड दे आर बियॉन्ड द स्टार्स. ओके, तो छोटी छोटी चीजें जब थोड़ी सी अजीब सी होती है ना, तो उसमें घबराया मत करो, पढ़ा पूरा करो. क्लॉजनर वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर एनिमेटेड एवरी मोमेंट. ठीक, वो हर मोमेंट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता जा रहा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा लाइवलीनेस आ रही थी. ही वॉज अ फ्रेल मैन. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका ही डिस्क्रिप्शन दिया है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली उसका कैरेक्टराइजेशन ही पूछे जाए, तो कैरेक्टराइजेशन में आप उसका अपियरेंस भी लिखोगे, बाकी चीजें भी लिखोगे, बट सबसे पहले उसका अपियरेंस ही लिखोगे. दैट ही वॉज अ फ्रेल, फ्रेल मीन्स वेरी वीक, कमजोर दिखता था, नर्वस, ट्विची,
जो बहुत सडनली इधर उधर 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 मुड़ता नहीं है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी कोई मिल गया, और उसमें ऋतिक रोशन का कैरेक्टर देखा होगा स्टार्टिंग में, ही वॉज वेरी क्विक वेरी एक्टिव, तो वैसे ही करके वो भी था, ही हैड सडन मूवमेंट्स विद हिज ऑलवेज मूविंग हैंड्स, उसके हाथ हमेशा इधर उधर किसी ना किसी चीज में लगे रहते थे, हिज लार्ज हेड इंक्लाइन टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, उसका ये जो बड़ा सा हेड था हमेशा ऐसे करके थोड़ा सा बेंड रहता था, इंक्लाइंड रहता था टूवर्ड्स हिज लेफ्ट शोल्डर एज दो हिज नेक वर नॉट क्वाइट एज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट इट्स रिजिडिटी, भले ही उसकी जो नेक थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अपनी इस रिजिडिटी को वो संभाल पाए, रिजिड होता है समथिंग दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल इज रिजिड, ठीक, तो वो उसको ऐसे करके संभाल पाए तो वो चीज नहीं हो पा रही थी, हिज फेस वॉज स्मूथ एंड पेल, उसका जो फेस था बहुत ज्यादा स्मूथ सा था, पेल था क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ग्लो नहीं था, ओके, इट वॉज ऑलमोस्ट वाइट, मीन्स बहुत वाइट था, पेल इन द सेंस कि येलो था फेस, बहुत ग्लोई नहीं था बट हमेशा सफेद जैसा लगता था, पेल ग्रे आईज थी, ग्रे एंड दैट नॉट टू ब्राइट ग्रे, कुछ पेल ग्रे आईज थी दैट ब्लिंक्ड एंड पियर्ड, और वो हमेशा ऐसे ऐसे करके दिस इज ब्लिंकिंग दिस इज ब्लिंकिंग, ठीक, तो ऐसे करके वो ब्लिंक करती थी, पियर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ पेयर ऑफ स्टील स्पेक्टिकल्स, सो दीज आर स्टील स्पेक्टिकल्स, चश्मा मेरी बात हो रही क्या यहाँ पे, पियर्ड एंड इट ऑलवेज लुक्ड फ्रॉम बिहाइंड द पेयर ऑफ, मतलब इस स्टील स्पेक्टिकल्स के पीछे से हमेशा वो दिखती थी उसकी वो आंखें, उसकी वो पेल ग्रे आईज दैट वर बेविल्डर्ड दैट वर कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड ओके, अनफोकस्ड थी, अनफोकस्ड इन द सेंस कभी इधर कभी उधर 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 देखती रहती थी, दे वर रिमोट, मतलब कि एकदम जैसे कंट्री साइड एरिया होता है दैट इज अ रिमोट एरिया, तो वो किसी एक चीज पर टिकी हुई होती थी, ही वॉज वेरी फ्रेल नर्वस ट्विची ट्विची सडन मूवमेंट्स वाला, एंड लिटिल मैन अ मॉथ ऑफ अ मैन, मॉथ का मॉथ होते हैं ये जो कीड़ा होता है, तो वो कह रहा है कि एक बड़े से इंसान का ये छोटा सा कीड़े जैसा लगता है ना, छोटा सा लगता था वो बिल्कुल, ये चीज यहाँ पे दी गई है कि एक बड़े से मैन का एक मॉथ जैसा लगता था, ठीक, दिस इंसेक्ट ही वॉज ड्रीमी एंड डिस्ट्रैक्टेड, ड्रीमी था, बहुत सपने देखता था, and he was distracted means उसकी imagination बहुत high थी and he was also distracted, चीजें उसको बहुत जल्दी distract कर देती थी, suddenly fluttering and animated, अचानक से वो flutter in the sense जैसे butterfly होती है वो अपने पंख फड़फड़ाती है, तो वैसे ही he was very much fluttering, वो इधर उधर उधर भागता रहता था कभी यहाँ कभी वहां, ठीक, animated, he was full of life and excitement. Now the doctor looking at that strange pale face, अब डॉक्टर उस strange pale face को देखता था, strange pale grey eyes को देखता था, felt that somehow there was about this little person a quality of distance. इस quality of distance, this is very important phrase. क्या कहा गया है कि डॉक्टर को ऐसा लगता था कि इसके अंदर एक quality of distance है, of immense immeasurable distance, बहुत बड़ा immeasurable जिसको हम measure नहीं कर सकते वो वाला distance, कौन सा distance है, as though the mind were far away from where the body was, उसकी body एक छोटे से wooden shed में है लेकिन उसका जो दिमाग है वो बहुत दूर तक जा रहा है, किसका, क्लॉजनर का, तो डॉक्टर कह रहा है कि उस little person क्लॉजनर के लिए कि उसके अंदर एक क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस है, उसकी बॉडी यहाँ है और उसका जो माइंड है वो बहुत दूर कहीं जा रहा है, ठीक है, एमसीक्यूज में भी इवन ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस का यहाँ पर क्या मतलब है. डॉक्टर वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन, डॉक्टर रुका हुआ था कि क्लॉजनर अपनी बात को पूरा करे, क्लॉजनर साइड, दिस इज गहरी सांस लेना, साइड एंड क्लैस्ड Hold tightly one's hand, his hands tightly together. This is clasping. ठीक है, ऐसे करके बंद करना अपने हाथों को, clasp कहते हैं इसको. तो he held his hands tightly together. I believe he said. किसने कहा? Klausner ने ये चीज कही कि I believe. Speaking more slowly. अब वो और धीमे बोलने लगा.
दैट देयर इज अ होल वर्ल्ड ऑफ साउंड, कि यहाँ पर पूरा एक वर्ल्ड है साउंड का अबाउट अस ऑल द टाइम दैट वी कैन नॉट हियर, और हमारे आसपास साउंड ऐसे जो हम लोग हमेशा नहीं सुन सकते हैं. इट इज पॉसिबल दैट अप देयर इन दोज हाई पिच इनऑडिबल रीजन्स, हाई पिच जहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेशनल साउंड्स होते हैं उनको हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी रीजन्स हैं, जगह है, देयर इज अ न्यू एक्साइटिंग म्यूजिक बीइंग मेड, और वहां पर एक्साइटिंग म्यूजिक है जो बन रही है विद डेलिकेट विद सबटल हार्मनीज. हार्मनी क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स फॉर प्लीजिंग इफेक्ट्स, कुछ सुरों को मिला करके एक बहुत ही अच्छी सी ध्वनि निकालना, आवाज निकालना इज हार्मनी. तो वो कुछ डेलिकेट हार्मनीज होती हैं, कुछ फियर्स ग्रिंडिंग डिस्कॉर्ड्स होते हैं, कुछ इंटेंस हार्श डिस्कॉर्ड्स मीन्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी भी ध्वनियां होती हैं या सुर होते हैं या साउंड्स होते हैं जिसमें हार्मनी नहीं होती है, जिसको जब आप सुनोगे तो वो आपको बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं लगते हैं. अ म्यूजिक सो पावरफुल दैट देयर इज अ म्यूजिक दैट इज सो पावरफुल इट वुड ड्राइव अस मैड, कि हम लोग को वो पागल भी कर सकती है. ओनली आर ईयर्स वर ट्यून टू हेयर दिस साउंड ऑफ इट, और वो अगर हम लोग इस साउंड को सुन पाते तो वो हमें पागल भी कर सकती है, बट हम लोग नहीं सुन सकते. देयर मे बी एनीथिंग फॉर ऑल वी नो देयर मे, कि वहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमें ये चीज पता होती तो डॉक्टर कहता है येस बट इट्स नॉट वेरी प्रोबेबल, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो. तो क्लॉजनर पूछता है why नॉट. Klausner pointed to a fly sitting on a small roll of copper wire on the workbench. Work जो उसकी बेंच थी वहां पर एक कॉपर की वायर पड़ी थी, उसके ऊपर एक छोटी सी मक्खी बैठी थी, और वो पूछता है why not. वहां पे वो ये चीज पूछता है, you see that fly, आप उस fly को देख रहे हो. वो पूछता है Klausner, what sort of noise is that fly making now? वो जो मक्खी वहां बैठी है वो किस तरह की आवाज कर रही है. क्लॉजनर यहाँ पर डॉक्टर से पूछता है, नन दैट वन कैन हियर, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि कोई सुन ना सके, कोई सुन सके ऐसी आवाज वो नहीं कर रही है, बट फॉर ऑल वी नो दैट द क्रिएचर मे बी विस्लिंग लाइक मैड ऑन अ वेरी हाई नोट, और हो सकता है कि वो जो फ्लाई है वो विसल कर रही हो, सीटी बजा रही हो ऑन अ वेरी हाई नोट, बहुत जोर से वो बार्क कर रही हो सकती है. इट कुड बी क्रोकिंग, क्रोकिंग फ्रॉग का साउंड होता है, और इट कुड बी द फ्लाई कुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग. इट्स गॉट अ माउथ, उस फ्लाई उस मक्खी के पास एक माउथ है कि नहीं, उसके पास एक गला है जिसे वो आवाज निकाल सकती है कि नहीं. तो वही ये चीज वो पूछता है, मतलब उसके कहने का सेंस है कि जस्ट बिकॉज कि दे हैव माउथ दे हैव थ्रोट तो दे कैन स्पीक एंड दे कैन शाउट ऑल्सो. The doctor looked at the fly and smiled. Doctor ने उस fly को देखा, उसने smile किया. He was standing by the door with his hands on the door knob. Door knob को वो ऐसे करके पकड़ा हुआ था. Well, he said, so you are going to check up on that. तो वो कहता है, doctor पूछता है Klausner से कि क्या तुम उसको check करोगे, किसको Klausner क्या उस fly को उस मक्खी को check करेगा. तो क्लॉजनर कहता है, सम टाइम अगो कुछ समय पहले, आई मेड अ सिंपल, मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था, एक सिंपल सा, दैट प्रूव्ड टू मी द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी काइंड ऑफ ऑड इन ऑडिबल साउंड्स. कुछ अजीब से इन ऑडिबल, ऑडिबल इज समथिंग दैट यू कैन लिसन, इन ऑडिबल जो आप नहीं सुन सकते हो, तो वो ना सुन पाने वाले साउंड्स को के एग्जिस्ट होने की चीजों को क्लॉजनर ने एक सिंपल सी इंस्ट्रूमेंट बनाया था, मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे वो इन साउंड को सुन सके. ऑफन आई हैव सैट एंड वॉच्ड द निडल ऑफ माय इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग द प्रेजेंस ऑफ साउंड वाइब्रेशंस, और मैंने देखा है कि मतलब आई हैव अ निडल, जैसे निडल इन द सेंस मान लो कि जो वेइंग मशीन होती है जो इन लोग के पास शॉपकीपर्स के पास होती है, जिसमें ऐसे करके निडल होती है जो ऐसे ऐसे करके घूमती है, तो वही वो कह रहा है, आई हैव वॉच द निडल ऑफ माई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग द प्रेजेंस ऑफ साउंड वाइब्रेशंस, की वो उन साउंड के वाइब्रेशंस की प्रेजेंस को रिकॉर्ड करती है इन द वो साउंड जो एयर में है. व्हेन आई माई सेल्फ
कुड हियर नथिंग, भले ही मैं खुद कुछ नहीं सुन सकता, बट मेरी वो मशीन इन सारे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, इन सारे साउंड्स को रिकॉर्ड कर सकती है. एंड ये जो दोस आर द साउंड्स आई वांट टू लिसन टू, और ये वो साउंड्स हैं जिनको मैं सुनना चाहता हूँ. आई वांट टू नो वेयर दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, कौन करता है, और हु और व्हाट इज मेकिंग देम, कि कौन या क्या उन साउंड्स को बाहर कर रहा है. तो डॉक्टर पूछता है एंड द मशीन ऑन द टेबल देयर, और जो मशीन है टेबल पे इज गोइंग टू अलाउ यू टू हियर दीज नॉइसेस, और ये जो मशीन है आपको ये अलाउ करेगी कि आप इस नॉइसेस को सुन पाओ. डॉक्टर पूछता है, क्लॉजनर कहता है इट मे, हु नोज, हो सकता है ऐसा हो, कौन जानता है. सो फार I have had no luck, but I have made some changes in it. अभी तक मेरी ऐसी किस्मत नहीं रही कि मैं इन साउंड्स को सुन सकूं, बट अब मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं. एंड tonight I'm ready for another trial. और अब मैं इस रात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं फिर से कोशिश करूं. This machine, he said, touching it with his hands, अपने हैंड से उस मशीन को ऐसे करके टच करते हुए कहता है, is designed to pick up sound vibrations. वो मतलब ये जो है, this machine has been designed, this machine has been designed to pick up, कि वो sound vibrations को pick करे, वो जो बहुत ज़्यादा high pitched है, that human ear cannot listen to it, convert them to a scale of audible tones, और उन sounds को वो machine क्या करेगी, audible tone तक उसको change करेगी. I tune it in almost like a radio, जैसे कि रेडियो में होता है वैसे ही वो स्केल उस आवाज को ह्यूमन ईयर तक पहुंचाने का काम करेगी. तो वो कहता है हाउ डू यू मीन, कि तुम ये कैसे करोगे. क्लॉजनर कहता है isn't it complicated, ये थोड़ी सी अजीब सी complicated चीज नहीं है. Say I wish to listen to the squeak of a bat. Squeak होता है short, high pitched cry, बहुत जोर से कोई चीखता है, लेकिन वो बहुत short सी आवाज होती है, बहुत मतलब बहुत लंबे समय की नहीं होती है. तो अगर कोई bat चीख रहा है, उसकी आवाज अगर मुझे सुननी है, that's a fairly high pitched sound, वो बहुत ही high pitched means उसमें बहुत सारे vibrations होंगे, about 30,000 vibrations a second, एक second में इतने vibrations होंगे. द एवरेज ह्यूमन ईयर कांट क्वाइट हियर इट, तो एक एवरेज ह्यूमन ईयर उसको नहीं सुन पाएगा. नाउ इफ देयर वर अ बैट फ्लाइंग, अब वहां अगर कोई बैट जो है वो फ्लाई कर रहा है इन दिस रूम, आई ट्यून्ड इन टू 30,000 ऑन माई मशीन, और अगर मैंने इस मशीन की जो सेटिंग है उस पर 30,000 कर लिया, आई वुड हियर द स्क्वीकिंग ऑफ दैट बैट वेरी क्लियरली, मैं इस बैट की आवाज को बहुत ही आसानी से सुन लूंगा. I would even hear the correct note F sharp B flat whatever it might be, और मैं बहुत ही क्लियरली ये आवाज सुन लूंगा. ये जो गिटार बजाते होंगे या जिनको साउंड्स की थोड़ी सी नॉलेज होगी, मुझे नहीं है, तो ये F sharp और B flat उनको आता है, उनसे पूछ करके मुझे जरूर बता देना. But merely at a much lower pitch, don't you understand? बट वो जो बहुत ही हाई पिच साउंड है उसको मैं बहुत ही धीमे सुनूंगा, लेकिन मैं सुन जरूर लूंगा. तो तुम्हें समझ में नहीं आया, क्लॉजनर पूछता है किससे, डॉक्टर से. तो डॉक्टर कहता है द डॉक्टर लुक्ड एट द लॉन्ग ब्लैक कॉफिन बॉक्स, उसने उस बड़े से कॉफिन बॉक्स में देखा. एंड यू आर गोइंग टू ट्राई इट टुनाइट, उसने कहा कि तुम इसको रात में ट्राई करने वाले हो. क्लॉजनर कहता है यस yes. तो डॉक्टर कहता है वेल आई विश यू लक, आई एम means best of luck to you. He glanced at his watch, उसने अपनी घड़ी की ओर देखा. My goodness, he said, I must fly. अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए. Goodbye. Thank you for telling me, और मुझे बताने के लिए शुक्रिया. I must call again sometime and find out what had happened. और कह रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा तुमसे पूछने के लिए कि क्या हुआ तुम्हारे इस मशीन और इस एक्सपेरिमेंट का. तो डॉक्टर वेंट आउट, बाहर गया. क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और वो अब उसने डोर जो है वो बंद कर दिया. फॉर अ वाइल लॉन्गर, कुछ समय लंबे समय तक, क्लॉजनर कंसर्न्ड अबाउट द वायर्स, मींस वो उसी में वायर्स में जूझा हुआ था ब्लैक बॉक्स में. देन ही स्ट्रेटेंड अप, फिर वो उठ के खड़ा हुआ.
सॉफ्ट एक्साइटेड विस्पर में उसने कहा, बहुत ही आराम से धीमे धीमे उसने कहा, नाउ वील ट्राई अगेन, वील टेक इट आउट इन द गार्डन दिस टाइम, अब हम इसको गार्डन में ले जाएंगे, एंड देन परहैप्स परहैप्स द रिसेप्शन विल बी बेटर, एंड देन व्हाट एवर साउंड आई विल रिसीव वो ज्यादा बेहतर होगा, लिफ्ट इट अप नाउ केयरफुली, इसको आराम से उठाओ आराम से, वो मतलब खुद ही से ये चीज बोल रहा था, ओ माई गॉड इट्स हैवी, और ये बहुत हैवी है, ही कैरीड द बॉक्स टू द डोर, उसने डोर तक उस बॉक्स को रखा, फाउंड दैट ही कुडंट ओपन द डोर, उसने देखा कि वो डोर को उस बॉक्स को उठा के, मतलब बॉक्स क्या था, वही साउंड मशीन थी, तो उसको उठा करके वो नहीं डोर को खोल पा रहा था, विदाउट पुटिंग इट डाउन, इट यहाँ पर कौन है, द मशीन, ठीक, तो वो उसको तो कैरीड इट बैक, पुट इट डाउन ऑन द बेंच, उसने क्या किया, उसने वापस उसको पीछे किया, उसने बेंच पे रखा, डोर को ओपन किया, फिर ही अगेन कैरीड इट, फिर उसने उठा करके उसको रख अपने पास रखा, अभी मिसेस सॉन्डर्स भी इसमें आएंगी, विथ सम डिफिकल्टी इन टू द गार्डन, उसके बाद वो वापस जाकर के डिफिकल्टी से उसको गार्डन में ले गया, ही प्लेस्ड द बॉक्स केयरफुली ऑन ए स्मॉल वुडन टेबल, उसने वहां पर एक वुडन टेबल था वहां पर उसने उस बॉक्स को रखा, दैट स्टूड ऑन द लॉन, जो इस लॉन में था, एक वुडन टेबल था वहां पे वो था, ही रिटर्न्ड टू द शेड, वो अपने शेड में वापस आया, फेच्ड अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स, और अपने पास उसके पास ईयरफोन्स थे वो उसने लिए, ही प्लग्ड द वायर कनेक्शंस फ्रॉम द ईयरफोन्स इनटू द मशीन, मशीन जो वायर कनेक्शन से ईयरफोन्स के वो उसने मशीन में लगाए, पुट द ईयरफोन्स ओवर हिज ईयर्स, और उसने ईयरफोन्स अपने ईयर्स में लगाए, द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स वर क्विक, बहुत जल्दी जल्दी थे, एंड दे वर वेरी प्रिसाइज, दे वर वेरी शार्प, ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था, ब्रीथेड लाउडली, बहुत जोर से, ही वॉज लाउडली, जोर जोर से वो सांस ले रहा था, क्विकली थ्रू हिज माउथ, He kept on talking to himself, अपने से वो बात कर रहा था छोटे छोटे words, with little words of comfort and encouragement, जैसे जैसे अगर आप खुद को encourage करो, होगा बेटा तुमसे सब होगा, होगा होगा, करो करो करो, होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ऐसे करके वो छोटे छोटे encouragement वाले words खुद से बोल रहा था, as though he were afraid, भले ही वो थोड़ा सा afraid था, afraid कि machine might not work, कि शायद machine काम ना करे, also afraid what might happen if it did, और हो सकता है कि अगर वो काम करे तब क्या होगा, he stood in the garden beside the wooden table, वो wooden table के पास वो खड़ा हुआ garden पे, he was so pale, he had a pale face, he was small, he was thin, that he looked like an ancient consumptive bespectacled child, या क्या लिखा हुआ है, That, ऐसे लगा था कि कोई वो बहुत पुराना कंजम्पटिव, वर्ड कंजम्पटिव मीन्स अफेक्टेड बाय अ वेस्टिंग डिजीज, ऐसे लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा कोई पुराना कोई डिजीज वाला इंसान है, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट सजेस्ट कि मशीन, जो मशीन है उसके उस मशीन का क्लॉजनर पे बहुत ज्यादा कोरोडिंग करप्टिंग इन्फ्लुएंस था, मतलब वो उस मशीन जो थी उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, क्लॉजनर की चाइल्ड लाइक इनोसेंस को वो जो मशीन थी वो डिस्ट्रॉय कर रही थी, ये यहाँ पे लिखा है, एंड बी स्पेकल्ड मीन्स जिसने ऐसे करके स्पेक्टिकल्स पहने हो, ठीक, द सन हैड गॉन डाउन, सूरज डूब चुका था, देयर वॉज नो विंड, नो साउंड एट ऑल, फ्रॉम वेयर ही स्टूड ही कुड सी ओवर अ लो फेंस इन टू द नेक्स्ट गार्डन, नेक्स्ट किसी का गार्डन था वहां, मतलब बीच में एक फेंस भी लगी हुई थी, जाल लगी हुई थी जैसे होती है, ठीक है, देयर वॉज अ वुमन वॉकिंग डाउन द गार्डन विद अ फ्लावर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने आर्म्स में उसके पास एक फ्लावर बास्केट उसने पकड़ी हुई थी, वो उसको लेकर के वो आ रही थी, ही वॉच्ड हर फॉर अ व्हाइल, उसने कुछ टाइम के लिए उस लेडी को देखा, ये लेडी कौन थी, शी वॉज मिसेस सॉन्डर्स, Without thinking about her at all, उसको थोड़े समय के लिए उसने देखा, then he turned to the box on the table, फिर उसने box को देखा जो table पे रखी थी, pressed a switch on its front, उसने अपने front का जो switch था उसका उसने उसको on कर दिया, he put his left hand on the volume control button भी उसने रखा, his right hand on the knob that moved the needle across the central dial,
लार्ज जो सेंट्रल डायल था उसके पास, जो उसमें जो निडल थी उसने अपना नॉब को वो एडजस्ट करा था, लाइक द वेवलेंथ डायल ऑफ अ रेडियो, जैसे कि डायल वेवलेंथ डायल ऑफ अ रेडियो ये जैसे होता है, तो दीज आर द नॉब्स, ठीक है, ये उसके नॉब्स होते हैं, ये वाले उसके डायल्स होते हैं, ये वेवलेंथ होती है, मींस वो बताएंगे कि किस कहाँ से कहाँ तक हमको ये चीज सुननी है, कुछ ऐसे करके था। यहाँ देखो लिखा हुआ है 55, 60, 65, तो ऐसे ही करके वो थे, और यहाँ पर दिस इज द मेन डायल, ठीक। तो क्या कहा गया है, द डायल वॉज मार्क्ड विद मेनी नंबर्स, ये जो डायल वाला पार्ट है, ये वाला, ये गोल वाला, बहुत सारे इसमें नंबर्स थे, इट वॉज मार्क्ड विद मेनी ऑफ द नंबर्स इन अ सीरीज ऑफ बैंड, मतलब कुछ डिविजन से स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000, 15,000 से लेकर के सम अराउंड 10 लाख तक वो थे, या फिर 1 मिलियन भी इसको कह सकते हो। एंड नाउ ही वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द मशीन, और अब वो मशीन के पास बेंड था, हिज हेड वॉज कॉक्ड कॉक्ड टू वन साइड इन अ टेंस लिसनिंग एटीट्यूड, इट रेफर्स टू द टर्निंग ऑफ द टॉप ऑफ हेड डाउन टू आइदर राइट और लेफ्ट, वन ऑफ द ईयर्स मूव क्लोजर टू द शोल्डर, मतलब कि एक ईयर जो है वो शोल्डर से थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, सो दैट जो पर्सन है वो अगले की आवाज सुन सके, ठीक है। तो उसका जो हेड था एक साइड से वो भी बेंड था। फिर क्या कहा गया, हिज राइट हैंड मूव्ड वॉज बिगनिंग टू टर्न द नॉब, उसका जो राइट हैंड है इट वॉज बिगनिंग कि वो नॉब को, जो ऐसे गोल बोलते हैं उसको, ये जो होते हैं इनको नॉब बोल रहे हैं, ये जो गोल गोल से होते हैं, तो इनको वो घुमा सके इसके लिए था। ओके, द निडल वॉज ट्रेवलिंग स्लोली अक्रॉस द डायल, वो जैसे करके डायल बना था उसमें निडल इधर उधर करके घूम रही थी, सो स्लोली दे कुड हार्डली सी टू मूव, वो इतनी धीमे घूम रही थी कि वो उसको देख भी नहीं पा रहा था, ईयरफोन्स में ही कुड हियर अ फेंट स्पेस्मोडिक क्रैकलिंग, और हियर अपने कानों में ईयरफोन्स में ही कुड स्टिल लिसन कि एक बहुत ही वीक स्पैस्मोटिक मींस रेगुलर इरेगुलर क्रैकलिंग की आवाज आ रही थी उसमें कम, जैसे कि अगर किसी से फोन पे बात करो तो कभी कभी आवाज नहीं बहुत ज्यादा अटकी अटकी सी आती, इरेगुलर सी आती बीच में कट कट के, तो वैसी आवाज उसको आ रही थी, अ रैपिड सीरीज ऑफ शॉर्ट हार्श नॉइजेस, बिहाइंड दिस क्रैकलिंग साउंड ही कुड हियर अ डिस्टेंस हमिंग टोन विच वॉज द नॉइज ऑफ द मशीन इट सेल्फ, और इस क्रैकलिंग साउंड, ये जो हार्श सी नॉइज आ रही थी, हार्श नॉइज आप इस सेंस में भी ले सकते हो कि जैसे कभी एफएम ऑन करो और कोई जो ऐसा चैनल आप उसमें ऑन कर लो जिसमें सिग्नल नहीं आ रहा, तो बहुत ही अजीब सा साउंड आता है, वही साउंड यहाँ पर आ रहा था, और उसके अलावा एक हमिंग साउंड आ रहा था विच वॉज द नॉइज ऑफ द मशीन इटसेल्फ, जैसे सपोज किसी घर में इन्वर्टर या कूलर हो तो उससे एक कंटिन्यूस जो करके साउंड आता है, उस साउंड की यहाँ पर बात हो रही कि वो भी आ ही रहा था उससे, बट दैट वॉज ऑल, अभी उसको सिर्फ इतने ही साउंड सुनाई दे रहे थे। एज ही लिसन ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ अ क्यूरियस सेंसेशन, जैसे वो इस चीज को सुन रहे थे उसके अंदर एक सम सॉर्ट ऑफ सेंसेशन हो रहा था, दैट फीलिंग कि उसके ईयर्स जो हैं दे वर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम हिज हेड, ऐसे कि उसके जो ईयर्स हैं वो हेड से स्ट्रेच कर रहे हैं, खिंच रहे हैं, एंड दैट ईच ईयर वॉज कनेक्टेड टू हिज हेड विद अ स्टिन विद अ थिन स्टिफ वायर, और हर एक उसका जो ईयर है वो उसके हेड से कनेक्टेड है विद अ वेरी थिन पतली सी स्टिफ हार्ड वायर से, लाइक अ टेंटेकल इज अ फ्लेक्सिबल मोबाइल इलोंगेटेड, जैसे कि ये जैसे इनके पास सम सॉर्ट ऑफ इलोंगेटेड सी वायर्स होती हैं, लंबी लंबी सी, इन द सेंस कि इनके भी जो ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके बैकबोन्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी बोला गया है दैट दे हैव अ फ्लेक्सिबल मोबाइल इलोंगेटेड ऑर्गन, कुछ स्पीशीज में होती है, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ लंबी सी तार जिसे कह सकते हैं वो होती है, तो उसी की बात यहाँ पे की गई है, एंड दैट द वायर्स वर लेंथनिंग, और ये जो वायर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं वो बहुत ज्यादा लंबी हो रही हैं, दैट द ईयर्स वर गोइंग अप एंड अप टूवर्ड्स अ सीक्रेट एंड फॉरबिडन टेरिटरी, वो जो कान है वो ऐसे कुछ
खुल करके ऐसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, गोइंग टूवर्ड्स अ सीक्रेट एंड फॉरबिडन टेरिटरी, कोई छुपी सी जगह तक वो सुनने के लिए जा रहे हैं, उसके कान फॉरबिडन, जहां उसको नहीं जाना है, उस टेरिटरी में, उस जगह पर एक डेंजरस अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी हायर देन व्हाट ह्यूमन ईयर्स कैन हियर, कि जहां तक ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं उससे भी ज्यादा हाई वो चीज जा रही है, उस रीजन में जहां पर ईयर्स हैव नेवर बीन बिफोर, हैड नो राइट टू बी। उसको ऐसा फील हो रहा था ईयरफोन्स लगाकर मशीन से कनेक्ट करके कि उसको ऐसी चीजें सुनाई देंगी या सुनाई पड़ रही है जो उसे नहीं आज तक सुनाई दी थी। द लिटिल निडल क्रेप्ट स्लोली अक्रॉस द डायल, उस डायल में वो जो एक सुई थी वो ऐसे ऐसे करके इधर उधर करके घूम रही थी, जैसे ये, ठीक है, जैसे ये जो है निडल है तो वो भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर घूम रही थी। फिर क्या कहा गया है, सडनली ही हर्ड अ श्रीक, अ फ्राइटफुल पियर्सिंग श्रीक। सडनली उसको एक बहुत तेजी वाली चीख सुनाई दी, पियर्सिंग मीन्स कान में ऐसे करके पियर्सिंग, छेद करने वाली श्रीक सुनाई दी उसे, फ्राइटफुल, डरावनी। ही जंप्ड एंड ड्रॉप्ड हिज हैंड्स, कैचिंग होल्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, मीन्स उसने क्या किया, वो अचानक से कूदा एंड ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स, हैंड्स को उसने हमने छोड़ा कहां पर, ही वॉज होल्डिंग द एज ऑफ द टेबल, जैसे दिस इज टेबल, तो टेबल का कोने का हिस्सा उसने पकड़ा क्योंकि उसको बहुत अजीब सी आवाज सुनाई दी। He stared around as if expecting to see the person who had shrieked. ये देखने के लिए, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको आवाज सुनाई दे रही है, एक्चुअल में उसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक, किस चीज की आवाज थी वो क्या कर रहा था, वो उस पर्सन को ढूंढ रहा था कि ये जो आवाज उसको अचानक से सुनाई थी वो कहाँ से आई है, वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ एक वुमेन थी गार्डन में, एंड इट वॉज सर्टेनली, और ऑब्वियसली उसकी आवाज तो नहीं थी। She was bending down, वो नीचे bend की हुई थी। She was cutting yellow roses, putting them in her basket, अपने basket में वो उसको रखी हुई थी। And a throatless human shriek, एक ऐसी आवाज जिसमें मतलब गला नहीं यूज हो रहा है, एक ऐसी inhuman shriek जो इंसान की आवाज नहीं है, एक sharp सी, short सी, बहुत ही clear और cold सी आवाज उसको सुनाई थी। And the note itself possessed a minor metallic quality that he had never heard before. और वो जो note थी, जो sound था, उसमें एक बहुत ही छोटी सी metallic quality थी जो उसने पहले कभी सुनी नहीं थी। Something that it was not of human, कोई artificial सा sound था जो उसे सुनाई दे रहा था। Klausner looked around him. Klausner ने इधर उधर देखा, searched instinctively फॉर द सोर्स ऑफ द नॉइज, वो सर्च कर रहा था इधर उधर कि ये नॉइज कहाँ से आ रही है। डन विदाउट द कॉन्शियस थॉट्स इंस्टिंक्टिवली, मीन्स कि वो सोच के नहीं कर रहा था, बट वो देख रहा था कि यहाँ पे आवाज उसकी कहाँ से आ रही है। द वुमेन नेक्स्ट डोर वॉज द ओनली लिविंग थिंग इन साइट, उस टाइम पर उसकी नजर में कोई एक जीवित इंसान जो उसे दिख रहा हो वो सिर्फ वो वुमेन थी। ही सॉ, he reached down, take a rose stem in the fingers of one hand, snip the stem with a pair of scissors. वो क्या देख रहा था कि वो जो lady है उसने rose ऐसे करके पकड़ा हुआ है और उसको वो काट दे रही है दूसरे हाथ से, उसके हाथ में scissors थी। और फिर उसने फिर से वही स्क्रीम, वही चीखने की आवाज उसने फिर से सुनी। इट केम एट द एग्जैक्ट मोमेंट, और वो उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर सुनाई दी, when the rose stem was cut, उसी समय जब वो रोज स्टेम जो है वो काटी गई उसी टाइम उसको वो आवाज सुनाई दी। एट दिस पॉइंट द वुमेन स्ट्रेटेंड अप, देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल में ये उन्होंने आज सैंपल पेपर दिया था तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक। एट दिस पॉइंट वुमेन स्ट्रेटेंड अप, वुमेन उठी, उसने सीजर्स को बास्केट में डाला एंड टर्न टू वॉक अवे, और वो वापस जाने लगी। तो उसी टाइम पर क्लॉजनर ने आवाज लगाई, मिसेस सॉन्डर्स, वुमेन्स नेम वॉज मिसेस सॉन्डर्स। He shouted, his voice was shrill with excitement. उसकी जो आवाज थी बहुत ज्यादा तेज थी, तीखी थी, with the excitement, जो excitement से वो बुला रहे थे, और उसकी आवाज में उसने फिर से बोला, oh Mrs. Saunders, and looking around, इधर उधर देखते हुए, woman saw her neighbor standing on his lawn. उसने देखा कि उसका जो neighbor है, पड़ोसी, वो वहां पर खड़ा हुआ है lawn पे,
a fantastic arm waving little person. He was very good looking and he was arm waving. Arm waving ऐसे करके वो अपने arms को wave कर रहा था. He was very little person with a pair of earphones on his head. अपने head पे उसने वो earphones लगाए हुए थे. Calling to her in a voice so high and loud that she became alarmed. और वो उसको इतनी जोर से बुला रहा था दैट वो बहुत ज्यादा चौकन्नी हो गई, अलार्म्ड हो गई. तो क्लॉजनर, के मींस क्लॉजनर, एस मींस सॉन्डर्स. क्लॉजनर कहता है कट अनदर वन, प्लीज कट अनदर वन क्विकली, कि ये जो एक और रोज है आप इसको काटो, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट करना था अपना. तो कहता है कि प्लीज एक और रोज काटो. सॉन्डर्स शी स्टूड स्टिल, वो वहां पे एकदम ही आराम से स्टिल होकर के खड़ी हो गई. स्टेयरिंग एट हिम, उसको वो देखने लगी. Why Mrs. Klausner, उसने कहा कि मिस्टर क्लॉजनर क्यों मैं ऐसा करूं, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर. क्लॉजनर कहता है प्लीज डू एज आई आस्क. क्लॉजनर कहता है जैसे मैं कह रहा हूँ प्लीज वैसे करो. कट जस्ट वन मोर रोज, एक और रोज को काट दो. तो मिसेस सॉन्डर्स कहती है हैड ऑलवेज बिलीव्ड. अब यहाँ पर मिसेस सॉन्डर्स का ओपिनियन दिया है कि उसका नेबर कैसा है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिसेस सॉन्डर्स का ओपिनियन कि उसका नेबर कैसा है. मिसेस सॉन्डर कहती है, कहती नहीं मतलब उस बारे में बताया गया है कि उसको हमेशा ही अपना ये नेबर बहुत ज्यादा पेक्यूलियर यूनिक लगता था. नाउ इट सीम्ड ही हैड गॉन कम्प्लीटली क्रेजी, और अब उसको ऐसा लगता है कि ही क्लॉजनर हैज गॉन कम्प्लीटली क्रेजी. शी वंडर्ड, उसको लगा कि वेदर शी शुड रन अवे इन टू द हाउस या फेच हर हस्बैंड. उसको लगा कि क्या वो अपने घर वापस भाग जाए और अपने हस्बैंड को बुला ले, क्योंकि उसको डर लग रहा था. नो शी थॉट, उसने कहा नहीं यार ऐसे नहीं करते. ही इज हार्मलेस, वो बहुत ज्यादा हार्मलेस है, हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा. आई जस्ट ह्यूमर हिम, चलो ठीक है हम उसके साथ मजाक करते हैं, खेल खेलते हैं. सर्टेनली मिस्टर क्लॉजनर इफ यू लाइक, तो कहती है ठीक है अच्छा अगर आपको चाहिए तो मैं ये भी कर देती हूँ. शी टुक हर सिजर्स फ्रॉम द बास्केट, उसने बास्केट से अपनी सिजर्स उठाई. बेंट डाउन एंड स्निप्ड अनदर रोज, स्निप्ड मीन्स छोटे छोटे स्ट्रोक से अब बहुत क्विकली चीजों को कट करना, जैसे सीजर से कोई हेयर के हेयर को ऐसे ऐसे करके कट करता है, तो वैसे ही शी बेंड डाउन और उसने अनदर रोज को काट दिया. अगेन क्लॉजनर ने क्या सुना, ही हर्ड अ फ्राइटफुल थ्रोटलेस श्रीक इन द ईयरफोन्स. उसने ईयरफोन्स में एक डरावनी थ्रोटलेस जिसका गला ना हो एक ऐसी चीख सुनी. अगेन इट केम एट द एग्जैक्ट मोमेंट द रोज स्टेम वॉज कट, और उसको उसी समय सुनाई दी जब वो रोज जो था वो कटा. ही टुक ऑफ द ईयरफोन्स एंड रैन टू द फेंस दैट सेपरेटेड टू द टू गार्डन्स. वो अपने ईयरफोन्स हटाए, उसने भागा उस जाल की तरफ जहां पर जो दो गार्डन से वो सेपरेट थे, बीच में जहां पे बॉर्डर या बैरिकेड लगा था वहां पर वो गया. All right, he said, that's enough, no more, please no more. कहता है कि बस बस ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए. Woman stood there, woman वहीं पर खड़ी हुई थी. There was a yellow rose in one hand. Okay, there was a yellow rose in one hand. I keep checking on my recording. There was a one rose in one hand and clippers on the other. और clippers ये होते हैं. अरे sorry. कहाँ गए, ये होते हैं क्लिपर्स, ठीक, जिससे भी वो उसको पकड़ करके काटते हैं उसके लिए बोला गया है यहाँ पे. क्लिपर्स ऑन द अदर, एक हाथ में उसके पास येलो रोज थे, दूसरे हाथ में वो क्लिपर्स थे. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग मिसेस सॉन्डर्स, ये सेड, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ मिसेस सॉन्डर्स, समथिंग जो आप नहीं बिलीव करोगे. ही पुट हिज हैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द फेंस, उसने जो बीच में जो फेंस लगा था जाल थी उसके ऊपर ऐसे करके उसने अपने हाथ रखे. Peered at her intently, उसको वो ऐसे करके देख रहा था. Through his thick spectacles, उसको वैसे घूर करके देख रहा था. With intentions, you have this evening cut a basket full of roses, आपने इस शाम को जो basket full of roses काटे हैं. You have a sharp pair of scissors cut through the stems of living things, आपने ऐसी चीजें काटी हैं जो कि उन स्टेम्स की जो कि लिविंग थिंग्स थी. ईच रोज, हर रोज जो आपने कट किया है, इट स्क्रीम्ड, उसने चीखा इन द मोस्ट टेरिबल वे. इस चीज पर मिसेस सॉन्डर्स बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी कि ये क्या बोल रहा है कि कोई रोज थोड़ी ना चीखेगा. मोस्ट टेरिबल वे,
डिड यू नो मिसेस सॉन्डर्स, क्या आपको ये चीज पता है? तो सॉन्डर्स कहती है नो शी सेड आई सर्टेनली डिडंट नो दैट, नहीं नहीं मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पता है. तो क्लॉजनर कहता है इट हैपेंस टू बी ट्रू, ये सच है. ही वॉज ब्रीदिंग रादर रैपिडली, वो बहुत जोर जोर से हाफ रहा था, सांस ले रहा था. ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल, अपने एक्साइटमेंट को वो कंट्रोल कर रहा था. ऑब्वियसली उसने मशीन बनाई है और वो सक्सेसफुल हो गई है उसकी नजरों में. आई हर्ड देम श्रीकिंग, मैंने उनको तेज से चीखते हुए सुना है. ईच टाइम, हर बार जब आपने कुछ कट किया, द रोज, मैंने उनका पेन सुना. आई हर्ड द क्राई ऑफ पेन, अ वेरी हाई पिच्ड साउंड, एक बहुत ही हाई पिच्ड साउंड था वहां पे. अप्रोक्सीमेटली 130,000 वाइब्रेशंस अ सेकेंड, एक पर सेकेंड 132,000 वाइब्रेशन से यू कुडंट पॉसिबली हैव हर्ड इट योरसेल्फ. और आपने इसको जरूर नहीं कि इसको आपने सुना ही हो, बट हमने उसको सुना. डिड यू रियली मिस्टर क्लॉज, तो वो कहती कि क्या सच में आपने उसको सुना है. शी डिसाइडेड शी वुड मेक अ डैश, उसने सोचा अब मैं यहाँ से जल्दी से भाग लू नहीं तो ये क्लॉजनर बिल्कुल डरा देगा मुझे. शी वुड मेक अ डैश फॉर द हाउस इन 5 सेकेंड, उसने सोचा कि मैं बस 5 सेकेंड में यहाँ से भाग जाऊंगी. आई विल रन इन हरी. तो क्लॉजनर कहता है यू माइट से, ही वेंट ऑन, क्लॉजनर कहते हैं कि आप इसको बोलोगे कि यू माइट से, आप इसको कह सकते हो कि रोज बुश हैज नो नर्वस सिस्टम, की रोज की जो झाड़ियां हैं इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है. नो थ्रोट, देयर इज नो थ्रोट टू क्राई, यू वुड बी राइट, आप बिल्कुल सही हो. उसके पास नहीं है, ऐसे नहीं है जैसे कि हम लोग के पास है. बट हाउ डू यू नो, पर आपको ये चीज कैसे पता मिसेस सॉन्डर्स की उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है. एंड ही लीन्ड फार ओवर द फेंस एंड स्पोक इन अ फियर्स विस्पर, बहुत इंटेंस विस्पर से वो ये चीज बोल रहा था. हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता कि रोज़ेस या रोज बुश जो है डजंट फील मच पेन व्हेन समवन कट्स इस स्टेम ऑफ, कि आपको कैसे पता कि वो फील नहीं करते हैं जब आप उनकी जो स्टेम है उसको कट करते हो. यू वुड फील इफ समवन कट योर रिस्ट ऑफ विद अ गार्डन शीयर्स, गार्डन शीयर्स से अगर कोई आपकी रिस्ट को काट दे तो आपको कैसा लगेगा. हाउ डू यू नो दैट इट इज अलाइव, आपको कैसे पता कि वो अलाइव है या वो नहीं है. दीज आर गार्डन शीयर्स, इससे कोई आपका रिस्ट काट दे तो आपको कैसा लगेगा. वो मिस्टर क्लॉजनर और उसको डरा रहा है. तो वो कहती है, सॉन्डर्स कहती है यस मिस्टर क्लॉजनर, ओ यस गुड नाइट, और वो और डर गई और वो वहां से भाग गई. क्विकली शी टर्न्ड एंड रैन अप द गार्डन टू हर हाउस, और वो गार्डन से अपने घर की तरफ भाग ली. शी मीन्स शी रैन अवे फ्रॉम देयर. क्लॉजनर वेंट बैक टू द टेबल, वो टेबल के पास गया वापस. ही पुट ऑन द ईयरफोन्स, उसने फिर से ईयरफोन्स लगाए. स्टूड फॉर अ वाइल्ड लिसनिंग, कुछ उसने सुनना था. और वो अब केवल वो एक फेंट क्रैकलिंग साउंड, एक हार्श सी साउंड वो सिर्फ सुन सकता था. हमिंग साउंड ऑफ द मशीन वो सुन सकता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. ही बेंड डाउन टुक होल्ड ऑफ अ स्मॉल वाइट डेजी ग्रोइंग ऑन द लॉन, दीज आर द डेजी फ्लावर्स, ये उस लॉन में ग्रो कर रहे थे. उसने उसको पकड़ा, उसने मीन्स उसको होल्ड किया. ही टुक बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, ऐसे करके थंब एंड फोर फिंगर से उसने उसको पकड़ा उस डेजी फ्लावर को. स्लोली पुल्ड इट अपवर्ड, थोड़ा सा उसने उसको ऊपर किया, साइडवेज किया, थोड़ा सा कोने में किया, जब तक कि उसकी जो स्टेम है वो टूट नहीं गई, जब तक उसकी जो लड़ी है वो टूट नहीं गई. ठीक, फ्रॉम द मोमेंट ही स्टार्टेड, जब से उसने ये चीज स्टार्ट की थी, पुलिंग द मोमेंट व्हेन द स्टेम ब्रोक, जब से उसने उसको खींचा तब से लेकर जब तक वो टूट नहीं गई, उसने क्या सुना. ही हर्ड, ही डिस्टिंक्टली हर्ड इन द ईयरफोन्स, उसने ईयरफोन्स में क्या सुना. He heard a faint, high-pitched cry. उसने एक high-pitched cry सुनी. It was curiously inanimate, means something that is not lively. आवाज उसने ऐसी सुनी. He took another daisy. उसने फिर से एक और flower लिया, daisy flower. फिर उसने यही same चीज की. Once more he heard the cry, but he wasn't sure now that it expressed pain. But उसको ये चीज नहीं समझ में आई थी कि क्या इससे कुछ
पेन साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो इट वॉजेंट पेन, इट वॉज सरप्राइज, और वॉज इट, इट डिंट रियली एक्सप्रेस एनी ऑफ द फीलिंग्स. अभी वो सोच रहा है कि इसमें पेन नहीं था, इसमें कोई फीलिंग्स भी नहीं थी, कोई इमोशंस भी नहीं थे, ऐसे इमोशंस दैट आर नोन टू अ ह्यूमन बीइंग. वो सिर्फ एक क्राई थी, एक न्यूट्रल स्टोनी कोल्ड एंड अनफ्रेंडली क्राई थी, अ सिंगल इमोशनलेस नोट एक्सप्रेसिंग नथिंग. मीन्स यहाँ पर ये सिर्फ एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जो भी हुआ कि उसके बीच में उसको ये समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी इमोशन वाली नॉइज नहीं थी, इट वॉज इमोशनलेस नॉइज. इट हैड बीन द सेम विद द रोजेस, रोजेस के साथ भी यही सेम चीज हुई होगी. ही हैड बीन रॉन्ग इन कॉलिंग इट अ क्राई ऑफ पेन, और हो सकता है कि ही वॉज रॉन्ग इन कॉलिंग इट कि ये एक क्राई ऑफ पेन थी. अ फ्लावर प्रोबेबली डिडंट फील द पेन, फ्लावर को पेन नहीं होता, इट फेल्ट समथिंग एल्स विच वी डिडंट नो अबाउट. और हो सकता है कि उनको कोई ऐसी चीज फील होती हो जो हमें नहीं पता, ठीक है. समथिंग कॉल्ड टॉम, समथिंग कॉल्ड टॉम स्पन और प्लिनिकमेंट और एनीथिंग यू वुड लाइक, कोई ऐसी चीज. ये सारे वर्ड जो है वो गूगल पे भी नहीं दिए हैं. इसका क्या मतलब है? ये राइटर का खुद का इन्विटेशन है कि कोई ऐसे वर्ड आप उसके लिए यूज करो कि कोई भी चीज को डिस्क्राइब, यहाँ पर रोजेस के इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स को यहाँ पर यूज किया गया है जिनका कोई भी मीनिंग नहीं है. तो वो कह रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग इसका कोई भी नाम दे सकते हो. ही स्टूड अप, वो वहां पर खड़ा हुआ, अपने ईयरफोन्स उसने रिमूव किए, डार्क अंधेरा हो रहा था. ही कॉल्ड, ही कुड सी प्रिक्स स्लाइड ऑफ लाइट शाइनिंग इन द विंडोज ऑफ द हाउसेस ऑल अराउंड. मींस कि घर के अंदर उजाला हो गया था, लाइट जल रही थी. दैट दे शी ही कैन सी केयरफुली, ही पिक्ड अप द अपना ब्लैक बॉक्स उसने वहां से उठाया, कैरीड इट इनटू द शेड, उसने उसको शेड में रखा. Put it on the workbench. Workbench पे उसने उसको रख दिया. He went out, locked the door behind and walked up to the house. और वो दरवाजा बंद करके उसके बाद उस wooden shed को बंद करके अपने घर में गया. Next morning, अगले दिन सुबह, as soon as it was light, जैसे ही सुबह उजाला हुआ, he dressed up. He went straight to the shed. वो तैयार हुआ, सीधे वो अपने wooden shed में गया. He picked up machine, machine को उसने उठाया. He carried it outside, clasping it to his clasp, करना again, I'm telling, ऐसे करके जो पकड़ते हैं उसको clasping कहते हैं. तो वो उस मशीन को ऐसे अपने चेस्ट से उठाया हुआ था with both his hands, 10 किलो आटा जैसे आप पकड़ते होगे ऐसे करके, हम तो ऐसे ही पकड़ते हैं, तो वैसे करके उसने उसको उठाया हुआ था. With both his hands, walking unsteadily under its weight, क्योंकि black box की जो weight था बहुत ज्यादा था, तो he was walking unsteadily, means वो थोड़ा बहुत stagger कर रहा था. He went past the house, house के पास वो कहीं इधर उधर गया. Out through the front gate से वो बाहर निकला. Across the road के पास जो park बना था वो वहां पर गया. There he paused and looked around, वहां पे वो रुका, इधर उधर उसने देखा. ही वेंट ऑन अंटिल ही केम टू अ लार्ज ट्री, अ बीच ट्री. उसके बाद उसने वहां पर क्या देखा? देयर ही फाउंड अ बीच ट्री, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बीच ट्री. वैसे तो बहुत सारे तरह के बीच ट्रीज होते हैं, यू कैन सर्च इट इवन, बट यहाँ पर यही एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बीच ट्री का. ओके, ही प्लेस्ड द मशीन, उसने वहां ग्राउंड पर उस मशीन को रखा. क्लोज टू द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्री का जो ट्रंक, मींस ट्री का ये जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम ट्री का ट्रंक कहते हैं, वहां पर उसने रखा. क्विकली ही वेंट बैक टू द हाउस, वो वापस हाउस में गया. गॉट एन एक्स फ्रॉम द कोल सेलर, दिस इज एन एक्स, दिस इज अ कोल सेलर, एक छोटा सा रूम जो होता है उसके लिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है. सेलर क्या होता है? एन अंडरग्राउंड रूम जहां पर हम लोग कोल को रखते हैं, तो कोल सेलर इज अ रूम. और वहां से वो एक हथौड़ी लेकर के आया. एंड कैरीड, हथौड़ी नहीं, वो छैनी जिसे कहते हैं शायद, इट कैरीड इट अक्रॉस द रोड इनटू द पार्क. ही पुट द एक्स ऑन द ग्राउंड, उसने एक्स को ग्राउंड पर रखा, बिसाइड द ट्री, ट्री के पास में. देन ही लुक्ड अराउंड हिम अगेन, और फिर वो इधर उधर कहीं देखने लगा कि उसको कोई दिखे. पियरिंग नर्वसली थ्रू हिज थिक ग्लासेस इन द इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अपने
ग्लासेस से वो देख रहा था कि कोई उसे दिख जाए. देयर वॉज नो वन अबाउट, इट वॉज 6 in the morning, सुबह का 6 बजा था और उसे कोई भी नहीं दिख रहा था. ही पुट द ईयरफोन्स ऑन हिज हेड, स्विच ऑन द मशीन, मशीन को उसने ऑन किया, ईयरफोन्स को उसने ऐसे करके अपने कान में डाला. ही लिसेंड फॉर अ मोमेंट टू द फेंट फेमिलियर हमिंग साउंड, मशीन का जो हमिंग साउंड है वो उसको सुनाई दे रहा था. देन ही पिक्ड अप द एक्स, फिर उसने एक्स को उठाया. टुक अ स्टैंस, फिर उसने एक पोस्चर लिया. स्टैंस मीन्स क्या होता है, एक जैसे किसी को मारने का पोस्चर होता है, तो उसने एक पोस्चर लिया. विद हिज लेग्स वाइड अपार्ट, उसने अपने लेग्स को वाइड अपार्ट किया. ही स्वंग द एक्स एज हार्ड एज ही कुड एट द बेस ऑफ द ट्री ट्रंक, मीन्स ट्री की जो ट्रंक है उसमें उसने बहुत जोर से उस एक्स को मारा. वो जो छेनी थी उसको उसने जोर से मारा. ब्लेड कट डीप इनटू द वुड, उस लकड़ी, वुड यहाँ पर किसको क्या गया, ट्री की जो ट्रंक थी उसको बहुत ही वाइड उसने डीप कट कर दिया. एंड स्टक देयर, और वो वहीं पर ही स्टक हो गई ऐसे करके. ठीक है, ये तो बहुत पतली चोट है, हम ट्रंक दिखा रहे हैं, मतलब बहुत वाइड ट्रंक होता है, तो उसी में ही ये जो हथौड़ी थी वो ऐसे करके अटक गई उसी में. एंड द इंस्टेंट ऑफ द इम्पैक्ट ही हर्ड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉइज इन द ईयरफोन्स, और उस टाइम पर उसने बहुत ज्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आवाज अपने ईयरफोन्स पे उसने सुनी. ठीक, इट वॉज अ न्यू नॉइज, अब ये एक थोड़ी नए तरह की नॉइज थी. Unlike he had heard, जैसे कि उसने पहले सुनी है उससे अलग थी. एक harsh, noteless, enormous, बहुत तेज सी आवाज थी. Growling, someone who is crying in pain. Low pitched, screaming sound था. It was not quick and short like the noise of roses. जैसे कि roses की noise थी वैसे करके उतनी short ये नहीं थी, थोड़ी लंबी सी आवाज थी. Drawn out the like a sob, lasting for fully a minute. और वो आवाज ऐसी लगी थी दैट समवन हु इज सॉबिंग फॉर एट लीस्ट अ मिनट, एक पूरे मिनट के लिए ऐसे लगा था कि कोई इंसान सॉबिंग कर रहा हो, ऐसे करके बिलक बिलक के रो रहा हो. लाउडेस्ट एट द मोमेंट व्हेन द एक्स स्ट्रक, उस समय बहुत तेज थी जिस समय वो एक्स उस ट्रंक पर हिट किया था. फेडिंग ग्रेजुअली फेंटर, और धीमे धीमे करके द आवाज वॉज फेडिंग, फेंट हो रही थी, गुम हो रही थी. And it was again fainter, और धीरे धीरे करके वो faint हो रही थी जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए. Klausner stared in horror. Klausner ने क्या किया, वो डर से देख रहा था कि वो जो ब्लेड है had sunk into the wood flesh of the tree. Wood flesh means trunk के जो covering है उसी में ही वो जो axe है वो बहुत बुरी तरह से ढसा हुआ है. He gently took the axe handle, उसने axe के handle को पकड़ा, worked the blade loose and threw the thing to the ground, और उसके बाद उसने उस blade को बाहर निकाला और उसने उस axe को जमीन पर फेंक दिया. With his fingers he touched the gash, वो जो वहां पर जो deep cut हुआ था, ठीक है रुको देखो इसमें होगी कोई photo deep cut की, ये जैसे समझ लो ये जो deep cut या यहाँ पर यही देख लो, यहाँ पर जो deep cut हुआ था तो डीप कट जो था उस पर वो ऐसे से करके अपने हाथ फेर रहा था बहुत ही ज्यादा जेंटली. दैट द एक्स हैड मेड इन द वुड, वो जो एक्स ने वुड को जो जख्म दे दिया उसको वो टच कर रहा था. टचिंग द एजेस ऑफ द गैश, जो डीप कट था उसके एजेस को वो टच कर रहा था. ट्राइंग टू प्रेस देम टूगेदर टू क्लोज अ वुंड, और वो उसको ऐसे करके प्रेस कर रहा था कि वो उस वुंड को उस जख्म को बंद कर सके. He kept saying, और वो कह रहा था, tree, oh tree, I'm sorry, but it will heal fine, और ये बहुत जल्दी heal हो जाएगा. वो ये चीज़ वहाँ पर कह रहा था. ठीक है, फिर वो कहता है, for a while he stood there with his hands upon the trunk of the great tree, कि कुछ समय के लिए वो वहाँ पे खड़ा रहा with his hands upon the trunk, great tree का जो trunk है वहाँ पर उसका hands ऐसे करके खड़े रहे. ऐसे करके रखा हुआ था. देन सडनली ही टर्नड अवे, फिर वो मुड़ा. हरीड ऑफ टू द पार्क अक्रॉस द रोड थ्रू द फ्रंट गेट इनटू हिज हाउस, सब कुछ पार करके वो अपने घर पे पहुंचा, टेलीफोन पे पहुंचा. कंसल्टेड द बुक, डायरी उसने निकाली जिसमें नंबर लिखे थे.
डायल्ड अ नंबर एंड वेटेड. ही हेल्ड द रिसीवर टाइटली. उसने बहुत जोर से उस रिसीवर को पकड़ा हुआ था, फोन का जो रिसीवर होता है. इन हिज लेफ्ट हैंड टैप्ड द टेबल इम्पेशेंटली विद हिज राइट हैंड मतलब जो टेबल था उस पर ऐसे ऐसे करके टैप कर रहा था बहुत ही इम्पेशेंटली. ही हर्ड द टेबल टेलीफोन बजिंग एट द अदर हैंड. फिर उसने देखा कि टेलीफोन रिंग हो रहा है उस तरफ. एंड देन द क्लिक ऑफ अ लिफ्टेड रिसीवर, अ मैन्स वॉइस. और उसके बाद किसी ने उठाया, उसकी आवाज आई लिफ्टेड रिसीवर की, एक स्लीपी सोई हुई आवाज थी. किसकी? हेलो, यस, डॉक्टर ने, मतलब किसने, उसने किसको कॉल किया था? डॉक्टर स्कॉट को. तो डॉक्टर स्कॉट कहता है हेलो, यस. क्लॉजनर कहता है डॉक्टर स्कॉट. डॉक्टर कहते हैं हाँ, आई एम स्पीकिंग. डॉक्टर स्कॉट इज स्पीकिंग. क्लॉजनर कहते हैं डॉक्टर स्कॉट यू मस्ट कम एट वंस क्विकली प्लीज. तो डॉक्टर स्कॉट, अब वो उसको कोई नहीं मिला तो वो डॉक्टर स्कॉट को बुला रहा है कि डॉक्टर स्कॉट आप प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाओगे. तो डॉक्टर स्कॉट कहते हैं हु इज इट स्पीकिंग, ये कौन बोल रहा है? क्लॉजनर कहता है क्लॉजनर हियर, यू रिमेम्बर वॉट आई टोल्ड यू लास्ट नाइट. आपको याद होगा मैंने आपको रात में क्या कहा था अबाउट माई एक्सपीरियंस विद साउंड. एंड आई होप्ड आई माइट. वो कहता है कि हाँ, और मुझे आशा है कि. तो बीच में आवाज, मतलब बीच में उसका स्टेटमेंट कट जाती है और डॉक्टर कहता है यस यस मुझे याद है. क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या? तो क्लॉजनर कहता है नो आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूँ. इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग. सुबह का वेट, आर यू इल? तो क्लॉजनर कहता है नो आई एम नॉट बट. तो उसके बाद यहां से द डॉक्टर है वो कहता है हाफ ऑफ द थिंग. यहाँ पे वो कहता है इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग, द डॉक्टर सेड एंड यू कॉल मी बट यू आर नॉट इल. वो कहता है कि सुबह का 6:30 बज रहा है और तुम मुझे कॉल कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो, बट तुम बीमार नहीं हो. तो क्लॉजनर कहते हैं कि प्लीज कम क्विकली, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, मुझे कुछ सुनना. आई वॉन्ट समथिंग टू हियर इट, मतलब आई वॉन्ट समन, मुझे कोई इंसान चाहिए जो इस आवाज को सुन सके. इट्स ड्राइविंग मी मैड, ये चीज मुझे पागल कर रही है. I can't believe it. मुझे समझ में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है. The doctor heard the frantic, desperate and agitated. Desperate जो बहुत ज्यादा है उसको, agitated means hysterical means agitated means जो बहुत ज्यादा हल्का बहुत गुस्से में हो, mood जिसका मतलब बहुत ज्यादा frustrated person हो, गुस्से में हो. Note in the man's voice. उस इंसान, man यहाँ पर कौन है? क्लॉजनर. तो उसकी आवाज में उसको ये चीज सुनाई दे रही थी. द सेम नोट ही वॉज यूज टू हियरिंग इन द वॉइसेस ऑफ पीपल हु कॉल्ड अप एंड सेड देयर्स बीन एक्सीडेंट. ऐसी आवाज उसको सुनाई दे थी डॉक्टर को, जैसे उस, मतलब क्लॉजनर की आवाज में ऐसी आवाज सुनाई दे थी कि जैसे कोई इंसान का, अरे देखो वहां पे एक्सीडेंट हो गया. तो जितना इंसान डेस्परेट उस टाइम पर होता है उतनी आवाज उसको सुनाई दे थी कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ. ही सेड स्लोली, ओके, तो यू रियली वॉन्ट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एंड कम ओवर नाउ. तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी आऊं, अपने बेड से निकल करके अभी आऊं? तो क्लॉजनर कहता है यस एट वंस नाउ, और हाँ अभी इसी समय आओ प्लीज. ऑल राइट देन आई कम. तो क्लॉजनर, वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा अभी. क्लॉजनर सैट डाउन, वो बैठा वहां पर टेलीफोन, और उसके बाद वो वेट, उसने वहां पर इंतजार किया. He tried to remember what the shriek of the tree had sounded like. उसने याद किया कि वो जो आवाज थी उस ट्री की वो कैसी थी, but he couldn't. But उसको वो चीज नहीं समझ में आई थी. He could remember only that it had been enormous. वो सिर्फ ये चीज समझ सकता था कि वो जो noise थी वो बहुत enormous थी, frightful थी, डरावनी थी. It had made him feel sick with horror. और वो ऐसी थी कि इंसान बीमार हो जाए डर के मारे, वो वैसे ही हो गया था. He tried to imagine what sort of noise a human would make if he had to stand anchored to the ground. इसका मतलब ये है कि एक इंसान, वो ये सोच रहा था कि एक इंसान कैसी आवाज निकालेगा अगर उस इंसान को एंकर कर दिया जाए, मतलब ढांस दिया जाए, बरी कर दिया जाए. Obviously पेड़ क्या होते हैं, बरीड होते हैं ना, मतलब जमे हुए होते हैं ग्राउंड पे. तो वो कह रहा है कि अगर एक इंसान को ग्राउंड पे जमा दिया जाए, वेल समवन डेलिब्रेटली स्वंग अ स्मॉल शार्प थिंग एट हिज लेग, और उसके बाद उसको जमीन में थोड़ा सा डांस के अगर उसके
लेग पर हम कुछ मार दें, कोई डीप कट लगा दें, एंड वेज्ड इट सेल्फ इन द कट, और उसके बाद वो जो डीप कट है उसमें वो वेज पड़ा ही रहे, जैसे कि ये 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 मेरा एक्स, हमने उसको यहाँ पे ये जो इनपुट फोर्स मैंने डाला है इसमें, ठीक है, ये वेज इसमें पड़ा ही रहे, उस पर्सन के लेग में अगर ये चीज धसी रहे फॉर द टाइम बीइंग, द ब्लेड कट इन डीप एंड वेज इट सेल्फ इन द कट, और वो क्या करे, वो ब्लेड अंदर धस भी जाए और उस कट में काफी टाइम के लिए वेज्ड भी रखे खुद को, ठीक, सम सॉर्ट ऑफ नॉइज परहैप्स, कि कुछ नॉइज थी तो नो क्वाइट डिफरेंट, ये थोड़ी सी अलग थी, द नॉइज ऑफ द ट्री वॉज वर्स देन एनी नोन ह्यूमन नॉइज, जितनी उसने ह्यूमन नॉइज सुनी है उससे ज्यादा वर्स थी, बुरी थी, बिकॉज ऑफ दैट फ्राइटनिंग टोनलेस थ्रोटलेस क्वालिटी, क्यों, बिकॉज इट वॉज फ्राइटनिंग टोनलेस एंड थ्रोटलेस क्वालिटी, ही बिगैन टू वंडर अबाउट अदर लिविंग थिंग्स, वो सोचने लगा कि बाकी लिविंग थिंग्स कैसे होंगे, ही थॉट इमीडिएटली ऑफ अ फील्ड ऑफ वीट स्टैंडिंग अप, अब यहाँ पे वो अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग नेचर की चीजों के बारे में याद कर रहा है, ऑफ अ फील्ड ऑफ वीट स्टैंडिंग अप, वो वीट गेहूं जो कि खड़े हुए हैं, राइट एंड येलो एंड अलाइव, दे आर येलो एंड अलाइव विथ मोर गोइंग थ्रू इट, दिस इज मोर, ये जो मशीन होती है इसको भी मोर कहते हैं, जो पर्सन कट कर रहा है उसको भी मोर कहते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो वीट स्टैंडिंग फील्ड है, जहाँ पे वीट के पेड़ हैं, मतलब खेती बाड़ी में जो भी कहा जाता है उनको, तो मोअर उनके ऊपर से गुजर रहा है, उन स्टेम्स को कट कर दे रहा है, 500 स्टेम्स एक सेकेंड में, हर सेकेंड, ओ माई गॉड, तो वो जो नॉइज होगी वो कैसी होगी, वो उसको समझ रहा है कि अगर एक रोज के काटने से इतनी आवाज आती है तो 500 वीट प्लांट्स को एक साथ अगर काटेंगे तो कितनी आवाज आएगी, 500 वीट प्लांट्स स्क्रीमिंग टुगेदर एवरी सेकेंड, एवरी 500 बीइंग कट, और हर सेकेंड 500 बीइंग कट एंड स्क्रीमिंग, एंड नो ही थॉट I do not want to go to the और कह रहे कि नहीं, just because he is afraid, तो कह रहे कि मैं wheat field में कभी नहीं जाऊंगा अपनी मशीन को लेकर के, I would never eat bread, और अगर मैं चला गया तो क्योंकि उनकी आवाज ऐसी होगी कि मैं उसके बाद कभी ब्रेड नहीं खा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि wheat से बनती है ब्रेड, ठीक, but what about potatoes and cabbages and carrots and onions, अब वो क्या कर रहा है, वो इन सब potatoes, cabbages, carrots और onions के बारे में सोच रहा है, what about apples, oh no, apples are all right, they fall off naturally when they are ripe, वो कह रहा है कि चलो ठीक है apples की कोई बात नहीं, क्योंकि apples तो पक करके खुद गिर जाते हैं, apples are all right if you let them fall instead of tearing them, खुद से उनको तोड़ के खाओगे तो नहीं, लेकिन अगर वो खुद गिर जाते हैं तो वो ठीक है, बट नॉट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं, नॉट अ पोटैटो, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो वुड श्योरली श्रीक, पोटैटो अगर हम लोग निकालेंगे तो वो जरूर चीखेगा, सो कैरेट भी, अनियन भी और कैबेज भी, ही हर्ड द क्लिक ऑफ द फ्रंट गेट लैश, और उसने फ्रंट गेट का जो लैश है उससे उसने उसकी आवाज उसने सुनी, ये होती है लैश, ओके, मतलब हम लोग तो उसको कुंडी बुलाते हैं, इतनी हॉरिबल लैंग्वेज हम लोग इसकी यूज करते हैं, इसी को लैश बोला जाता है, तो उसने उसके खुलने की आवाज सुनी, क्लिक सुनी, इन द सेंस ही जम्पड अप, वो उठा, वेंट आउट एंड सॉ द टॉल डॉक्टर कमिंग डाउन द पाथ, लिटिल बैग बैग इन हैंड, ब्लैक बैग इन हिज हैंड, वो डॉक्टर उस रास्ते से आ रहा था और उसके पास एक ब्लैक बैग भी था, वेल द डॉक्टर सेड, वेल व्हाट्स द ट्रबल, वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने ट्रबल्ड हो, डोंट वरी स्टोरी इज अबाउट टू ओवर, बस चार पन्ने बाकी हैं, कम विद मी डॉक्टर, आई वुड लाइक टू हियर इट, मैं कुछ, आई वॉन्ट यू टू हियर, मुझे तुम्हें कुछ सुनाना है, आई कॉल्ड यू बिकॉज आप ही सिर्फ ऐसे हो जिसको मैंने ये चीज कल रात में बताई थी, इट्स ओवर द रोड पार्क, ये पार्क में है, रोड के पार करके, विल यू कम नाउ, अब आओगे मेरे साथ, डॉक्टर लुक्ड एट हिम, ही सीम्ड कामर नाउ, अब
डॉक्टर थोड़े से काम थे, देयर वॉज नो साइन ऑफ मैडनेस और हिस्टीरिया, मीन्स देयर वॉज नो साइन ऑफ एजिटेशन कि वो कहीं से पागल हो रहा हो या गुस्सा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड था और एक्साइटेड था. कौन? क्लॉजनर. दे वेंट आउट अक्रॉस द रोड इन टू द पार्क एंड क्लॉजनर लेड द वे टू द ग्रेट बीच ट्री एट द फुट ऑफ विच स्टूड द लॉन्ग ब्लैक कॉफिन बॉक्स ऑफ द मशीन एंड द एक्स. मीन्स वहां पर ये लोग गए जहां पर क्लॉजनर उस ग्रेट बीच ट्री के पास गया, जिसके फुट पर, जिसके पैर पर, मतलब ट्री के नीचे जहां पर एक ब्लैक बॉक्स, उसकी साउंड मशीन पड़ी हुई थी और एक्स पड़ा हुआ था. डॉक्टर पूछता है व्हाई डिड यू ब्रिंग इट आउट हियर, उसने कहा कि तुम इस मशीन को यहाँ क्यों लेकर आए हो. क्लॉजनर कहता है मुझे एक ट्री चाहिए था. देयर आरंट बिग ट्रीज इन द गार्डन, उस गार्डन में बड़े बड़े ट्रीज नहीं है. तो डॉक्टर पूछता है एंड व्हाई द एक्स, एक्स क्यों लाए हो यहाँ पर. क्लॉजनर कहता है यू विल सी इन अ मोमेंट, आप उसको अभी देख लोगे. नाउ प्लीज दोज ईयरफोन्स एंड लिसन, अब उस इन ईयरफोन्स को लगाओ और सुनो. लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बताना प्रिसाइसली कि तुमने क्या सुना. आई वॉन्ट टू मेक क्वाइट श्योर, और मैं चीजों को बस श्योर करना चाहता हूँ. द डॉक्टर स्माइल्ड, डॉक्टर smiled and took the earphones, put them over the ears. उसने अपने यहाँ पे, अच्छा वो बड़े बड़े वाले earphones से या कह सकते हो headphones से, उसने ऐसे करके कान में उसको लगाया. Klausner bent down, Klausner बैठा, flicked the switch on, उसे turn on किया switch of the panel of the machine. He picked up the axe, उसने axe अपनी वही क्या उठाई उसने, क्या कहते हैं उसको, छेनी उठाई उसने. एंड ही या कुछ भी एक्स हो, जो भी हिंदी में बोलते हो, आई डोंट नो, मुझे बता देना जो भी पता हो. टुक हिज स्टांस विद हिज लेग्स, अगेन उसने अपनी पोजीशन ली विद लेग्स अपार्ट, जैसे किसी को मारने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसने लेग्स अपने अपार्ट किए. ही वॉज रेडी टू स्विंग, और वो मारने के लिए या उसको लकड़ी, उसको काटने के लिए बिल्कुल तैयार था पेड़ को. फॉर अ मोमेंट ही पॉज, दो मिनट के लिए वो रुका. उसने क्लॉजनर ने कहा कि क्या तुम कुछ सुन सकते हो. द डॉक्टर से वो पूछता है कि क्या तुमने कुछ सुना. डॉक्टर पूछता है कैन आई, व्हाट, मैं क्या सुन सकता हूँ. क्लॉजनर कहता है कैन यू हियर सम एनीथिंग, क्या तुम कुछ भी सुन सकते हो. डॉक्टर कहता है कि सिर्फ एक हमिंग सी नॉइज है. क्लॉजनर स्टूड, वहां पे वो खड़ा हुआ विद द हैंड्स इन हिज हैंड, विद एक्स इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में एक्स है, उसने वो वहां पे खड़ा हुआ था. Trying to bring himself to swing, बस वो खुद को मतलब पोजिशन में रेडी कर रहा था कि वो उसको मार दे. बट द थॉट ऑफ द नॉइज ऑफ दैट द ट्री वुड मेक वुड पॉज हिम अगेन, और वो सिर्फ इस थॉट से रुक जा रहा था कि जो नॉइज ट्री ने की थी, शोर किया था, चीखा था ट्री, उससे वो डर के रुक जा रहा था. तो डॉक्टर कहता है वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो. डॉक्टर पूछता है, क्लॉजनर कहते हैं नथिंग. Klausner answer and then he lifted his axe, swung it at the tree. उसने बहुत जोर से tree पे उसको मार दिया. And as he swung, he thought he felt, he could hear, he felt a movement of the ground. उसने ऐसे feel किया कि ground पे कुछ move हो रहा है, जैसे earthquake के time पर ground move होता है. On which he stood, जहाँ वो खड़ा था वहाँ पे उसको लगा कि ground was moving. He felt a slight shifting of the earth beneath his feet. अपनी फीट के नीचे जो अर्थ है, जो जमीन है, उसको वो ऐसे लग रहा था कि शिफ्ट हो रहा है. अर्थक्वेक जिन लोगों ने फील किया है उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी. एज दो द रूट्स ऑफ द ट्री वर मूविंग अंडरनीथ द सॉइल, और ऐसे लग रहा था कि ट्री के जमीन के अंदर जो ट्री की रूट्स हैं वो मूव कर रही हैं. बट इट वॉज टू लेट टू चेक द ब्लो, जो उसने ऐसे करके मारा था ट्री को, उसको चेक करने में बहुत लेट हो जाता. क्यों? क्योंकि जो एक्स थी, ब्लेड, उसकी जो ब्लेड थी, इट हैड स्ट्रक द ट्री वेस्ट डीप, वो बहुत डीप जा चुकी थी उसके, उस वुड के. एंड एट द मोमेंट हाई ओवर हेड, और उसके सर से जो ट्री उसने काटा था, इट वॉज, देर वॉज अ क्रैकलिंग साउंड ऑफ वुड, वुड की बहुत ही क्रैकलिंग की साउंड, हार्श सी नॉइज आ रही थी, ऑफ वुड स्प्लिंटरिंग, ब्रेक और कॉज टू ब्रेक इंटू स्मॉल शार्प फ्रेगमेंट्स. जैसे स्प्लिंटरिंग क्या होता है, किसी चीज के ब्रेक होने की आवाज. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो जो ट्री था वो ऑलमोस्ट इतना डीप उसने उसका कट मारा था
कि वो ऑलमोस्ट कट चुका था ट्री एंड इट वॉज अबाउट टू फॉल, द स्विशिंग साउंड ऑफ लीव्स, साउंड की क्रशिंग की आवाज आ रही थी, ब्रशिंग अगेंस्ट अदर लीव्स एंड दे बोथ लुक्ड अप, और दोनों ने ऐसे करके ऊपर देखा, डॉक्टर क्राइड, डॉक्टर जोर से चीखा, वॉच आउट, रन मैन, क्विकली रन, भागो यहाँ से जल्दी, वी बोथ विल लूज आवर लाइव्स. द डॉक्टर हैड रिप्ड ऑफ द इयरफोन्स, उसने बहुत जल्दी अपने इयरफोन्स ऐसे हटाए, वाज रनिंग अवे फास्ट. क्लॉजनर स्टूड स्पेल बाउंड, क्लॉजनर जो है वहां पे खड़े होकर के वो ट्री को देख रहा था, स्टीयरिंग अप एट द ग्रेट ब्रांच, वो बड़े से ब्रांच को देख रहा था ट्री के, 60 फीट लॉन्ग एटलीस्ट, 60 फीट इट वॉज लॉन्ग, सोचो हम लोग 5-6 फीट के होते हैं और वो 60 फीट लॉन्ग, दैट वॉज बेंडिंग, वो धीमे धीमे करके बेंड कर रहा था, डाउनवर्ड, ब्रेकिंग, क्रैकलिंग, स्प्लिंटरिंग एट इट्स थिकेस्ट पॉइंट, अपना जो सबसे मोटा पार्ट मीन ये जो ट्रंक वाला पार्ट है उसी से वो टूट रहा था, वेयर इट जॉइंड द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री, जहां से ट्री की मेन ट्रंक ट्री से जुड़ी हुई थी वो उसी वहीं से वो कट रहा था, द ब्रांच केम क्रैशिंग डाउन, क्लॉजनर लेफ्ट असाइड जस्ट इन टाइम, क्लॉजनर वहां से उछल के हटा जैसे ही जो ब्रांच है दैट वॉज कमिंग टू द मतलब कमिंग डाउन, इट फेल अपॉन द मशीन, और वो जो ट्री था वो उस मशीन पर गिरा एंड द मशीन स्मैश्ड इनटू पीसेस, मशीन जो है वो दरबर हो गई, मतलब वो टूट के बिखर गई. डॉक्टर कहता है ग्रेट हेवंस, शाउटेड द डॉक्टर एज ही केम रनिंग बैक, डॉक्टर बहुत ज्यादा चिढ़ गया था, ही वाज अनॉयड कि अभी उसके जान पर ही बनाई थी, ही कहता है, वो कहता है कि ये भगवान, ग्रेट हेवंस एज ही केम रनिंग बैक, डॉक्टर कहता है दैट वॉज अ नियर वन, आई थॉट आई हैड गॉट यू, it had got you, wait, there, that was a near one, I thought it had got you, means ki bahut zyada, kyunki Klausner bahut bariki se aise karke ped gira, aise wo hata wahan se, to wo keh raha hai ki aisa laga tha ki bahut near one hai, bilkul you would have gone today, Klausner se doctor kehta hai, Klausner was staring at the tree, abhi bhi wo wahin dekh raha tha, his large head was leaning to one side, abhi bhi uska jo bada sa head hai, it was leaning to one side, upon his smooth white face, उसके face पे there was tense horrified expression, वो ऐसे करके बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, slowly he walked up to the tree, tree के पास गया, gently he prized, use force in order to move apart and open, gently what he used force कि वहाँ पर वो जाए, द ब्लेड वो क्या कर रहा था, उस ब्लेड को ट्री की जो ट्रंक थी उससे निकाल रहा था. क्लॉजनर कहता है डिड यू हियर इट, क्या आपको कुछ सुनाई दिया, ही सेड, डॉक्टर से कहता है हिज वॉइस वॉज बेयरली ऑडिबल, बहुत धीमे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि वो दूर जाके खड़ा था. डॉक्टर वॉज स्टिल आउट ऑफ ब्रीथ रनिंग एंड एक्साइट फ्रॉम ब्रीथ फ्रॉम रनिंग एंड एक्साइटमेंट, क्योंकि डॉक्टर अपनी जान बचा के वहां से जोर से भागा था तो वो अभी भी बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था. तो डॉक्टर पूछता है कि मैंने क्या सुना, क्योंकि उससे पहले क्लॉजनर कहते हैं ना कि आपने कुछ सुना, तो डॉक्टर कहता है कि मैंने क्या सुना, तो क्लॉजनर कहता है इयरफोन्स पे क्या आपने कुछ सुना, व्हेन द एक्स स्ट्रक, जब मैंने एक्स को मारा तो आपने कुछ सुना, तो डॉक्टर कहता है ही बिगैन टू रब बैक ऑफ हिज नेक, अपनी नेक के ऐसे करके बैक को वो रब करने लगा, कहता है वेल ही सेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, He paused, वो फ्राउन किया, फ्राउन होता है ये ऐसे करके जो लाइंस बनती हैं यहाँ पे जो मेरी नहीं बनती हैं, गुस्से के मारे इसको कहते हैं फ्राउनिंग, बिट हिज लोअर लिप, अपने लोअर लिप को उसने काटा क्योंकि he was angry. No, I'm not sure, I couldn't be sure, I don't suppose I had the earphones on for more than a second after the axe struck. नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ सुना क्योंकि मैंने बहुत देर तक इयरफोन्स लगाए ही नहीं थे. तो क्लॉजनर कहते हैं यस यस बट व्हाट डिड यू हियर, बट हाँ ठीक है पर आपने सुना भी तो क्या सुना, डॉक्टर कहता है आई डोंट नो व्हाट आई हर्ड, मुझे नहीं पता मैंने क्या सुना है, प्रोबेबली द नॉइज ऑफ ब्रांच ब्रेकिंग, मैंने क्या सुना दैट द ब्रांच द ट्री ब्रांच वॉज ब्रेकिंग, वो टूट रही थी. He was speaking rapidly, rather irritably. वो बहुत तेज बोल रहा था and he was rather irritated. वो बहुत चिढ़ा हुआ था. Klausner कहता है वो किस चीज का साउंड था. Klausner leaned forward slightly. वो थोड़ा सा झुका, वो पूछता है वो किस चीज का साउंड था.
staring hard at the doctor. He was looking to the doctor. Exactly what did it sound like? ये किस चीज की आवाज थी? तो डॉक्टर कहते हैं, oh hell, the doctor said, I really don't know. मुझे सच में नहीं पता. I was more interested in getting out of the way and I was rather interested कि मैं उस जगह से बाहर जाऊं. Let's leave it. चलो इस चीज को हटाओ यहाँ से. तो क्लॉसनर कहता है, डॉक्टर What did it sound like? डॉक्टर कहते हैं कि मुझे बताओ कि वो किस तरह से थी. तो डॉक्टर कहते हैं, For God's sake, भगवान के लिए मैं तुम्हें कैसे बताऊं? With half of the tree falling on me, having to run for life, ट्री मेरे ऊपर गिर रहा है, मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग रहा हूँ और मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने क्या सुना? तो डॉक्टर सर्टेनली सीम नर्वस. डॉक्टर बहुत नर्वस था. क्लॉसनर हैड सेंस्ड इट नाउ. क्लॉसनर ने इस चीज को समझ लिया था. ही स्टूड क्वाइट स्टिल. वो रुका रहा वहां पर क्लॉसनर. ही वॉज स्टेयरिंग एट द डॉक्टर. ही वॉज फुली हाफ अ मिनट, कुछ समय के लिए, ऑलमोस्ट अ मिनट उसने कुछ नहीं बोला. द डॉक्टर मूव्ड हिज फीट. वो डॉक्टर थोड़ा सा अपने पैर वे इधर उधर किए. श्रग्ड हिज शोल्डर, ऐसे करके श्रग किया उसने अपने शोल्डर. हाफ टर्न टू गो, ऑलमोस्ट मूव टू गो. वेल ही सेड, वी वुड बेटर गेट बैक. तो कहते हैं कि चलो हम लोग वापस वहां पर चलते हैं. कहाँ चलते हैं? वापस घर में चलते हैं. तो क्लॉसनर कहता है, लुक सेड द लिटिल मैन. क्लॉसनर ने कहा, नाउ हिज स्मूथ व्हाइट फेस बिकेम सडनली सफ्यूज्ड विद कलर. नाउ अब उसका जो व्हाइट फेस है उसमें थोड़ा बहुत कलर भर रहा था. क्यों? बिकॉज ही वॉज सम सॉर्ट ऑफ वरिड, टेंस्ड. ठीक. लुक ही सेड, यू स्टिच दिस अप. तो क्लॉसनर कहता है कि तुमने ये जो पेड़ मैंने तोड़ दिया है उसको तुम वापस से जोड़ दो. He pointed to the last gash that the axe had made in the tree trunk. जो उसने उसको डीप कट दिया है उसको कह रहा है कि तुम इसको जोड़ दो, तुम इसको स्टिच कर दो क्विकली. डॉक्टर कहता है, डोंट बी सिली, पागल मत बनो, क्या बोल रहे हो तुम. क्लॉसनर कहता है, यू डू एज आई से, मैं जैसा कह रहा हूँ उसको बस कर दो, इसको स्टिच कर दो. क्लॉसनर वॉज ग्रिपिंग द एक्स हैंडल. वो एक्स का हैंडल ऐसे करके पकड़ा हुआ था. ही स्पोक सॉफ्टली इन अ क्यूरियस ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग टोन. वो बहुत आराम से बोल रहा था क्यूरियोसिटी के साथ. बट इट सीम दैट इट वॉज थ्रेटनिंग. डॉक्टर को लग रहा था कि वो उसको मार ही देगा, उसको थोड़ा बहुत सा डर लग रहा था. ठीक है. तो डॉक्टर कहता है, डोंट बी सिली, आई कांट स्टिच थ्रू वुड. वो कहता है कि मैं लकड़ी को नहीं या इस जो पेड़ है इसको मैं नहीं स्टिच कर सकता. कम ऑन लेट्स गेट बैक, चलो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं घर में. क्लॉसनर कहता है, नो यू कांट स्टिच थ्रू द वुड, तुम वुड नहीं स्टिच कर सकते. तो डॉक्टर कहता है, नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं. तो क्लॉसनर कहता हैव यू गॉट एनी आयोडीन इन योर बैग. तो क्या तुम्हारे बैग में कोई आयोडीन है? उसको लगा दो. आयोडीन इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक फॉर इंजरी, सम सॉर्ट ऑफ इंजरी के लिए वो यूज होती है. तो डॉक्टर कहता है, व्हाट इफ आई हैव, क्या होगा अगर मेरे पास वो है भी, आयोडीन है भी. देन पेंट द कट विद आयोडीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. वो कहता है कि आयोडीन से इसको कट, ये जो कट है उस पर आयोडीन लगा दो. इट विल स्टिंग बट दैट कांट बी हेल्प. वो थोड़ा बहुत जलेगा बट उसका कुछ नहीं किया जा सकता है. तुम इसका जो कट है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा होगा. क्लॉसनर इज शोन हेयर एज वेरी सेंसिटिव पर्सन टूवर्ड्स द नेचर. पहले वो अपने उससे मशीन को कट करके, मशीन से मतलब उसके आवाज सुनने के लिए वो उसको कट कर देता है ट्री को. बट देन ही इज वेरी मच सेंसिटिव. वो उसके पेन को फील कर रहा है ट्री के, तो वो उसके पीछे पड़ रहा है डॉक्टर को कि तुम उसको एंटीसेप्टिक लगा दो. डॉक्टर कहता है, नाउ लुक, द डॉक्टर सेड, ही टर्न्ड अगेन एज इफ टू गो. वो जाने लगा. Let's not be ridiculous. Let's get back to the house and then. तो वो कहता है कि ये सब बेवकूफी नहीं करते हैं, चलो हम लोग हाउस में वापस करते हैं. क्लॉसनर कहता है, paint the cut with iodine. और वो कहता है फिर से, क्लॉसनर अपनी बात को रिपीट करता है कि इस कट को आयोडीन से, आयोडीन इसमें लगा दो. डॉक्टर कहता है, डॉक्टर हेजिटेटेड. अब वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था. उसने देखा कि क्लॉसनर के हैंड जो उस एक्स को पकड़े थे बहुत ज्यादा टाइट होने लगे. उसको लगा वो उसी को मार देगा. ही डिसाइडेड दैट हिज ओनली ऑल्टरनेटिव टू वॉज टू रन अवे फास्ट एंड सर्टेनली वॉजेंट गोइंग टू डू दैट. और उसको पता था कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो भाग यहाँ से नहीं सकता है.
तो डॉक्टर ने क्या किया, ऑल राइट आई विल पेंट विद आयोडीन. तो उसने कहा कि ठीक है मैं ये कर दूंगा. ही गॉट हिज बैग, ब्लैक बैग, अपना ब्लैक बैग लाया वो. उसने उसको रखा, इट दैट वाज लाइंग ऑन द ग्रास अबाउट 10 yards अवे. 10 yards अवे वो रखा हुआ था. वहां से उसको लेकर आया, उसने उस बॉक्स को ओपन किया, बैग को ओपन किया. डॉक्टर ने बॉटल निकाली आयोडीन की, कुछ कॉटन वूल निकाला उसने, समझ लो डिटॉल के जैसे. एंड देन ही वेंट अप ट्री ट्रंक के पास गया, अनकॉर्क्ड द बॉटल, बॉटल का ढक्कन उसने खोला, टिप्ड सम ऑफ द आयोडीन ऑन टू द कॉटन वूल, कॉटन वूल पे उसने थोड़ा सा आयोडीन लगाया, उसने बेंट किया, झुका, बिगैन टू डैब, जैसे यहाँ पे कट हुआ है तो ऐसे ऐसे करके वो उसके कॉटन लगाने लगा. ही केप्ट वन आई ऑन क्लॉजनर, एक आंख वो ऐसे क्लॉजनर को देख रहा था जो कि वहां पर बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था, और सेकेंड ही वॉज वॉचिंग हिम वेट स्टैंडिंग, जो कि मोशनलेस था, उसके एक्स उसके हाथ में था, और क्लॉजनर डॉक्टर को देख ही रहा था. तो क्लॉजनर कहता है मेक श्योर यू गेट इट राइट, वो कह रहा है कि देखना तुम उसको ठीक तरह से लगा दो सही जगह पर. डॉक्टर कहता है यस. क्लॉजनर कहता है नाउ डू द अदर वन, द वन जस्ट अबव इट, क्योंकि क्लॉजनर ने ट्राई करने के लिए एक और पहले भी उसने ऐसे करके एक्स मारा था. तो कहते हैं कि जो ऊपर की तरफ कट है तुम उसको भी, जो उस पे भी तुम आयोडीन लगा दो. द डॉक्टर डिड एज ही वाज टोल्ड, जैसे डॉक्टर को बोला गया उसने किया. डॉक्टर देयर यू आर ही सेड इट्स डन, अब यहाँ ठीक है, अब ये चीज हो गई है. ही स्ट्रेटन्ड अप, डॉक्टर खड़ा हुआ, सर्वेड हिज वर्क इन अ वेरी सीरियस मैनर दैट शुड डू नाइसली, और वो अपनी चीज को देख रहा है कि हाँ ये अच्छा सही से मैंने काम कर दिया है. और फिर वो कहता है कि दैट शुड डू नाइसली, कि अब ये चीज सही हो जाएगी. क्लॉजनर केम क्लोजर एंड ग्रेवली एग्जामिंड द टू वूंड्स, क्लॉजनर पास गए, उसने बहुत ही सीरियसली दोनों वूंड्स को, दोनों जख्मों को देखा. क्लॉजनर कहता है यस ही सेड नॉडिंग हिज ह्यूज हेड स्लोली अप एंड डाउन, और उसने अपना बड़ा सा हेड स्लोली अप एंड डाउन करते हुए कहा कि हाँ ये ठीक हो जाएगा. तो डॉक्टर कहता है यस दैट विल डू नाइसली. ही स्टेप्ड बैक अ पेस, और वो एक कदम पीछे हुआ बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ क्लॉजनर. क्लॉजनर कहता है यू विल कम बैक एंड लुक एट देम अगेन टुमारो, कि तुम वापस आकर के फिर से इनको देख जाओगे. डॉक्टर कहता है ओ यस. डॉक्टर कहते हैं हाँ ऑफकोर्स, एंड पुट सम मोर आयोडीन ऑन, और कहो तो मैं और लगा दूंगा, ठीक है इफ नेसेसरी मैं जरूर कर दूंगा. क्लॉजनर कहते हैं थैंक यू डॉक्टर, वो कहते हैं डॉक्टर सो मच ऑफ थैंक यू. क्लॉजनर सेड ही नॉडेड हिज हेड अगेन, ड्रॉप्ड द एक्स, ऑल एट वंस ही स्माइल्ड अ वाइल्ड एक्साइटेड स्माइल, और उसके बाद उसने एक स्माइल दी, इट वॉज वाइल्ड एक्साइटेड स्माइल. क्विकली द डॉक्टर वेंट ओवर टू हिम, जेंटली ही टुक हिम बाय द आर्म एंड सेड कम ऑन वी मस्ट गो नाउ. और उसने क्या किया, ही क्विकली द डॉक्टर वेंट ओवर टू हिम, वो उसके पास गया, जेंटली ही टुक हिम बाय आर्म एंड सेड चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं. एंड सडनली देवर वॉकिंग अवे, द टू ऑफ देम वॉकिंग साइलेंटली रादर हरिडली अक्रॉस द पार्क ओवर द रोड एंड बैक टू द हाउस, एंड देन बोथ ऑफ देम वेंट बैक टू देयर हाउस. वॉट यू गॉट फ्रॉम द स्टोरी, दैट देयर आर पीपल हु आर डेफ टूवर्ड्स द पेन एंड सफरिंग ऑफ द नेचर और द नेचुरल वर्ल्ड. इसमें ये भी बताया गया है दैट जो पीपल बहुत, मतलब वो लोग जो बहुत साइंटिफिक होते हैं या उनके इमेजिनेशन बहुत ज्यादा मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड होती है, स्टार्टिंग में हमेशा उनको बहुत ज्यादा क्रेजी बोला जाता है. दे हैव क्रेजी न्यू आइडियाज, पीपल थिंक ऑफ देम एज क्रेजी. सेम रिएक्शन वॉज दैट ऑफ डॉक्टर ऑल्सो, ही वॉज ऑल्सो स्माइलिंग, उसको भी लगा था कि ये इंसान पागल है. और सेम रिएक्शन वॉज ऑफ मिसेस सॉन्डर्स ऑल्सो, उसको भी लगा था कि दैट हर नेबर इज वेरी मच पेक्यूलियर. ओके, देन द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम द स्टोरी इज दैट पीपल आर डेफ टूवर्ड्स द सफरिंग्स ऑफ द plants and animals, we use them, or you can say we misuse them, human beings misuse the nature for their own need and greed. Okay, that's all with the story. If there's anything you have not understood about it, you can mention it in the comment box. And if you have liked this story, share it with your friends and your best friends as well. Okay, and please subscribe to my channel. Thank you.